नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डीएलएड तृतीय सेमेस्टर विज्ञान। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विज्ञान या साइंस सब्जेक्ट्स को लेकर। तो दोस्तों ये हमारी वीडियो सीरीज की पार्ट थ्री है। तो दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो कि आपके पेपर में 14 नंबर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद हमारी वीडियो की दोस्तों आपने पार्ट वन भी देखना, पार्ट टू भी देखना। पार्ट वन में दोस्तों आपके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, पार्ट टू में आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे। तो दोस्तों पेपर की दृष्टि से जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं सबको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए तो पहले जो रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन दिख रहे इसको हल्का सा टच कर दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों को। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि विज्ञान का आशय स्पष्ट करना है। यह दोस्तों क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि दैनिक जीवन में विज्ञान की भूमिका निर्धारित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन आप बना के लिख सकते हैं और डेफिनेटली 2 नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन चलिए देखते हैं कैसे उत्तर करना है। देखिए, मानव प्रकृति जिज्ञासु होती है। विज्ञान हमें अपने चारों ओर की वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में नए ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करता है। विज्ञान ने हमारे वर्तमान ज्ञान और साधनों में सुधार किया है। मनुष्य में हर चीज को सुनने समझने की उत्सुकता होती है। विज्ञान की शुरुआत इसी उत्सुकता से होती है। यह उत्सुकता देखने, छूने, सूंघने, स्वाद चखने या सुनने के कारण होती है। उत्सुकता के कारण हमारे मन में तरह तरह के सवाल उठते हैं। प्रश्न और जिज्ञासाओं के समाधान से ही विज्ञान का जन्म होता है और इन्हीं का निदान वैज्ञानिकों की देन है। अगला क्वेश्चन क्या है, वैज्ञानिकों या वैज्ञानिक खोजों में भारतीय का योगदान बताइए। देखिए, प्राचीन काल से ही भारतीयों ने वैज्ञानिक खोजों के क्षेत्र में मतलब नेतृत्व किया था। चरक जो थे, जड़ी बूटियों को दवा के रूप में प्रयोग करने वाले महान चिकित्सक थे। सुश्रुत प्राचीन काल के महान शल्य चिकित्सक थे। आर्यभट्ट ने पाई का मान दोस्तों, जिसका मान 3.4 तथा श्रीधराचार्य वर्ग का हल देने में प्रथम गणितज्ञ थे। आधुनिक वैज्ञानिकों की खोजों में भारतीय वैज्ञानिकों का अभूतपूर्व योगदान है। जैसे जगदीश चंद्र बोस ने पौधों की संवेदनशीलता का सबसे पहले पता लगाया। सर सीवी रमन, एस रामानुजन, ठीक है ना, एस एन बोस, मेघनाथ शाह, टी आर शेषाद्री, होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई आदि भारतीय वैज्ञानिकों ने विभिन्न खोजों द्वारा विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण योगदान किया। प्रक्षेपण शास्त्र निर्माण में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर कस्तूरी रंजन आदि भारतीय वैज्ञानिकों की विशेष उपलब्धि है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, यह मैं बताना। देखिए, क्वेश्चन 2 बार दोस्तों डीएलएड में आ चुका है। देखिए, वर्ष 1966-67 में हरित क्रांति के माध्यम से कृषि उत्पादन के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य था बीज, खाद, सिंचाई तथा आधुनिक यंत्रों के उपयोग द्वारा कृषि उपज में आशातीत कम जोत में वृद्धि करना था। इसे हरित क्रांति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, रॉकेट के उड़ने का सिद्धांत संक्षेप में आपको समझाना। क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। तो रॉकेट में कितनी ज्वलनशील पदार्थ को जमाकर गैस उत्पन्न की जा सकती है, जो कि नीचे की ओर अत्यंत तीव्र वेग से एक जेट के रूप में निकलती है। यह गैस रॉकेट पर ऊपर की ओर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे रॉकेट ऊपर उड़ जाता है। गैस के जेट का वेग जितना अधिक होता है, रॉकेट भी ऊपर उतनी ही अधिक वेग से उड़ता है। रॉकेट की रचना, देखिए, धातु के मजबूत खोल के अंदर एक कक्षा में द्रवीभूत ऑक्सीजन तथा दूसरे कक्ष में द्रव ईंधन रहता है। द्रव ऑक्सीजन तथा ईंधन पाइप की सहायता से दहन कक्ष में एक दूसरे से मिश्रित रहते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन व ईंधन के इस मिश्रण में जब चिंगारी प्रदान या स्पार्किंग कराते हैं तो उच्च ताप पर दाब पर गैस के रॉकेट में नोजल से तीव्र गति से बाहर निकलती है और गैस के निकलने के विपरीत दिशा में रॉकेट तेजी से ऊपर उठता है, ठीक है ना। देखिए, रॉकेट जैसे दोस्तों रॉकेट का हमारा वेग बढ़ाने के लिए एक खंड की जगह बहुखंडीय रॉकेट का प्रयोग करते हैं। ईंधन समाप्त होने पर रॉकेट एक एक खंड क्रमानुसार अलग होता जाता है तथा रॉकेट उच्च वेग से ऊपर की ओर उठता जाता है। भारत ने कृत्रिम उपग्रहों को विकसित करने तथा उन्हें पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने की प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की है। कृत्रिम उपग्रह से न केवल दूर संचार व्यवस्था में अभूतपूर्व विकास संभव हो पाया, के क्षेत्र में रिक्शा, साइकिल, बस, रेलगाड़ियां, वायुयान आदि के निर्माण से यात्रा कम समय में तथा सुविधाजनक हो गई है। दूसरा दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में
जटिल और असाध्य रोग जैसे दोस्तों प्लेग, निमोनिया, तपेदिक, टीबी, चेचक, मलेरिया, हैजा आदि के इलाज के लिए औषधियों के निर्माण से रोगों की रोकथाम हो गई है। फिर दोस्तों आते हैं जनसंचार के क्षेत्र में। विभिन्न संसाधनों जैसे टेलीफोन, टेलीग्राम, फैक्स वगैरह, ईमेल आदि के विकास में जनसंचार सरल, सुविधाजनक तथा कम खर्चीला हो गया। चौथा दोस्तों उद्योग में आप इसको बना के लिख सकते हैं। पांचवा मनोरंजन हो गया दोस्तों। छठा आ गया राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध के क्षेत्र में। इसको ठीक है आप बना के लिखिएगा, दो नंबर का क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली दो नंबर पाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या रहा, आर्कमिडीज का सिद्धांत क्या है, प्रयोग द्वारा समझाइए। देखिए लोहे के हुक लगे एक बेलन को स्प्रिंग तुला से लटकाकर वायु में उसका भार नोट कर लें। कांच का एक टोटीदार बर्तन ले लीजिए, इसे टोटी के स्तर तक जल भरें। टोटी के मुंह पर एक स्प्रिंग बैलेंस से लटकी पॉलिथीन की थैली इस प्रकार समायोजित करें कि पानी से बर्तन, ठीक है ना, निकला तथा पानी इस थैली में एकत्र हो जाए। अब स्प्रिंग बैलेंस को लटके लोहे के बेलन से धीरे धीरे पानी के अंदर डुबाया जाए। लोहे का बेलन पानी डुबाते जाने पर पानी निकल कर थैली में भरता जाता है। बेलन को धीरे धीरे नीचे करते थे पानी पूर्णतः डुबा देते हैं, ठीक है ना, मतलब ये दोस्तों जो रहता है पानी में पूर्णतः डुबा देते हैं इसको। फिर जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः आंशिक रूप से डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी आती है। भार में यह ही कमी उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। सर्वप्रथम यूनान देश के वैज्ञानिक आर्कमिडीज ने इसे ज्ञात किया तथा इन्हीं के नाम पर इसे आर्कमिडीज का सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहा कि प्लवन को समझाइए। देखिए छात्र विचार करें कि द्रव में वस्तुएं तैरती और डूबती क्यों है, ठीक है ना। किसी वस्तु का भार, ठीक है, जो हवा में भार होता है वो डब्ल्यू मान लेते हैं। पानी में उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल जो होगा वो डब्ल्यू वन होगा। वस्तु का परिणामी भार होगा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू वन, ठीक है, इसे आभासी भार भी कहते हैं। यदि दोस्तों जो डब्ल्यू का मान होता है मतलब वस्तु का जो भार है हवा में, ठीक है, इसको समझिए यहाँ पर। और डब्ल्यू वन दोस्तों क्या है, पानी में उस वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल। अगर W का मान बड़ा होगा तो दोस्तों वस्तु द्रव में डूब जाएगी। यदि दोस्तों जो W का मान होगा W के बराबर होगा तो क्या वस्तु द्रव में पूर्णतः डूबी हुई मतलब डूबती हुई तैरती दिखेगी। तो दोस्तों पांचवा क्या रहा हमारा कि यदि जो W का मान है दोस्तों W1 से बड़ा, देखिए यहाँ पर दोस्तों W का मान जो है W1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, कुछ यहाँ थोड़ा मिस्टेक है दोस्तों। यहाँ पर देखा था W का मान बड़ा था तो वस्तु जो थी W मतलब W1 से दोस्तों जो वस्तु का भार था अगर इसके उत्प्लावन बल से अधिक हो जाता तो वस्तु द्रव में डूब जाती है। अगर बराबर रहती तो दोस्तों यहाँ हमने देखा अगर दोस्तों जो वस्तु का भार है उत्प्लावन बल से कम है तो क्या होगा, देखिए समझिए, वस्तु द्रव की सतह पर तैरती रहेगी तथा इसका कुछ अंश पानी में डूबा रहेगा, शेष भाग सतह के ऊपर रहेगा। देखिए वस्तु का भार उत्प्लावन बल के बराबर या इससे कम होने पर वस्तु तैरती रहती है, ठीक है ना। तो दोस्तों यही देखिए आपका डब्ल्यू जो है वस्तु का भार है, उत्प्लावन बल से जब इसका मान कम होता है तो ये तैरती रहेगी या समझ लीजिए पानी के सतह पर रहेगी, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे कि चूंकि वस्तु पर कार्यरत उत्प्लावन बल बराबर वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का भार, अगर दोनों बराबर है इसलिए दोस्तों जब वस्तु का भार वस्तु के हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरती है, इसे प्लवन का सिद्धांत कहते हैं। जिन वस्तुओं का घनत्व द्रव के घनत्व से अधिक होता है ऐसी वस्तुएं द्रव में डूब जाती हैं, ठीक है ना। घनत्व बराबर होने पर वस्तु द्रव में पूरी तरह डूबती हुई तैरती हुई है और यदि वस्तु का घनत्व द्रव के घनत्व से कम है तो वस्तु आंशिक रूप से डूबी हुई तैरती है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि उत्प्लावन बल को प्रयोग द्वारा समझाइए। तो देखिए एक डंडी लेकर उसमें बीच में धागा बांध दें, आप दोनों किनारों पर दो एक जैसी वस्तुओं को बांध दें। तीसरा दोस्तों डंडी को बीच से धागे से बांधकर उठाएं। चौथा आप देखते हैं कि डंडी सीधी है, यदि नहीं है तो वस्तुओं के सामने से दूरी को व्यवस्थित करें। पांचवा दोस्तों बिंदु है कि किसी यदि मतलब आप किसी एक तरफ की वस्तु को नीचे से पानी मतलब बर्तन पानी भरा बर्तन रखें, अब आप क्या देखते हैं दूसरी तरफ की वस्तु की ओर डंडी नीचे झुक जाती है। स्पष्ट है कि पानी में डालने पर वस्तु के भार में कमी आई, अतः निष्कर्ष निकलता है कि पानी में मतलब वस्तु द्वारा हटाए गए पानी द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर बल लगता है, यह वस्तु के भार के विपरीत दिशा में होता है इसलिए वस्तु पानी में हल्की मालूम होती है। वस्तु के भार में यही कमी उत्प्लावन बल के कारण है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा हमारा कि द्रव का दाब किस प्रकार मापेंगे। तो द्रव के दाब को मापने के लिए हम निम्न प्रयोग करेंगे। एक कांच की नली ले, पहले नली के एक सिरे पर गुब्बारा को धागे से बांध दें। नली के ऊपरी सिरे में पानी डालें। पानी डालने पर क्या होता है इसको देखिए, गुब्बारा आपका फूल जाता है तथा जल की मात्रा बढ़ने पर नली में जल स्तर क्या प्रभाव पड़ता है इसको समझिए। जल स्तर बढ़ जाता है, जल स्तर बढ़ने से गुब्बारे के फूलने पर क्या प्रभाव पड़ता है
गुब्बारा अधिक फूलता है, ऐसा क्यों? द्रव स्तर बढ़ने से दाब बढ़ जाता है, ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि न्यूटन के गति विषयक तीनों नियमों को लिखिए। न्यूटन के तीन नियम है, न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में तो वह विरामावस्था में ही बनी रहेगी, और यदि उस पर एक सरल रेखा में एक समान वेग से चल रही, मतलब कोई वस्तु एक समान वेग से चल रही है, तो वह उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। इसे गैलीलियो का नियम अथवा जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, जैसे कि यदि कोई पुस्तक मेज पर रखी है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई बल लगाकर उसे वहां से हटा ना दिया जाए। अब दोस्तों देखेंगे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम। देखिए इस नियम के अनुसार किसी वस्तु पर बाहर से लगाया गया बल F हो उस द्रव्यमान m के, ठीक है, तथा उस वस्तु में उत्पन्न त्वरण a के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोस्तों देखिए जो बल F है आपका, ये प्रोपोर्शनल टू m इंटू a, तो मतलब F बराबर हम लिख सकते हैं m a, या दोस्तों k क्या आपका यहाँ पर एक नियतांक है, ठीक है ना। इसे न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए देखते हैं, क्रिकेट की गेंद लपकते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर खींचता है, ठीक है। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम का इसको देखते हैं हम लोग। इस नियम के अनुसार जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में लगाती है। इन दोनों बलों में से एक क्रिया तथा दूसरे को प्रतिक्रिया कहते हैं। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया उसके बराबर परंतु विपरीत दिशा में क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। उदाहरण के लिए दोस्तों, तैरते समय मनुष्य पानी को पीछे की ओर धकेलता है, क्रिया दोस्तों होती है परिणाम स्वरूप जल मनुष्य को आगे की ओर ढकेलता है, ये प्रतिक्रिया हुई। दूसरा दोस्तों देखते हैं एग्जाम्पल, घोड़ा गाड़ी को खींचते समय अपनी पिछली टांगों को पृथ्वी को मतलब पीछे की ओर दबाता है, जिसे प्रतिक्रिया के रूप में पृथ्वी घोड़े पर आगे की ओर बल लगाती है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये रहे हमारे कुछ क्वेश्चन, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा कि निर्दो दापी मापी का वर्णन हमें करना है। देखिए निर्दो दाप मापी से वायु दाप ज्ञात करते हैं। इसमें एक गोलाकार धातु का डिब्बा होता है जिसके ऊपर की सतह ढक्कन पतली लहरदार एवं वायुमंडली दाब के परिवर्तन के प्रति सूक्ष्म ग्राही होती है। डिब्बे के अंदर की हवा निकाल दी जाती है, वायुमंडलीय दाब बढ़ने पर ऊपरी सतह अंदर दब जाती है और दाब कम होने पर सतह ऊपर उठ जाती है। सतह की इस गति के कारण अंदर लगी कामानी दब जाती है और ऊपर उठ जाती है। इससे लगे लीवर से एक संकेतक या पॉइंटर जुड़ा होता है जो पैमाने पर दाब का पाठ्यांक या रीडिंग देता है। निर्दो दाब मापी घड़ी की आकृति का होता है, इसमें द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है, अतः इसे सरलता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या रहा कि जीव जगत से आपका क्या अभिप्राय, स्पष्ट करिए। देखिए समस्त जीवधारियों का संसार ही जीव जगत कहलाता है। इसमें सजीव वस्तुओं, जीव जंतु एवं पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जीव जगत को निम्न दो भागों में विभाजित किया गया, एक कोशिकीय जीव, बहु कोशिकीय जीव। देखिए एक कोशिकीय जीव में दोस्तों जैसे आता है, इस वर्ग के जीवों का शरीर एक कोशिका का बना होता है, जैसे जीवाणु, ईस्ट, अमीबा, ठीक है ना, क्लेमाइडोनोस और पैरामीसियम। अब बहुकोशिकीय में देखिए इस वर्ग के जीवों का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन जीवों को आसानी से देख सकते हैं, जैसे दोस्तों आपका मक्खी, हाइड्रा, केचुआ, बरगद, कुकुरमुत्ता आदि। अगला क्वेश्चन है, सजीवों में होने वाली मुख्य जैविक क्रियाएं क्या है, इसको आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले सभी जीव संवेदनशील होते हैं, दूसरा सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, तीसरा सभी जीवों में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है, सभी जीवों में वृद्धि होती है, सभी जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है, सभी जीव कोशिका से मिलकर बने होते हैं, कोशिका जीवधारी के शरीर की आधारभूत इकाई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या, मनुष्य में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्र एवं उनके कार्य को समझाना है। अंग तंत्र देखते हैं, देखिए कई अंग मिलकर जब किसी कार्य को करते हैं तब उसे अंग तंत्र कहते हैं। उदाहरण के लिए भोजन के पाचन में मुख, आहार नाल, यकृत, अमाशय आदि मिलकर भोजन पचाने का कार्य करते हैं, जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। अंग तंत्रों के नाम दोस्तों उत्सर्जन तंत्र हो गया, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, कंकाल तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र और जनन तंत्र। देखिए बाह्य अंग कार्य, अंत अंग के कार्य देखें, सबसे पहले बाह्य अंग और उसके कार्य देखते हैं। आंख का काम होता है देखना, कान का काम है सुनना, जीभ का काम है स्वाद का पता करना, त्वचा का काम है दोस्तों आपका स्पर्श का ज्ञान देना, नाक का काम है हमारा सूंघना, हाथ का काम है वस्तु को पकड़ना, पैर का काम है चलना। अब देखिए जैसे अंत अंग में हृदय का काम है रक्त का संचालन करना, मस्तिष्क का काम है सोचना, अमाशय का काम है भोजन का पाचन करना, फेफड़ा का काम है श्वास लेना और वृक्क का काम होता है दोस्तों रक्त से अपशिष्ट पदार्थ को अलग करना, ठीक है ना। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा है कि जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्रों से संबंधित अंगों के नाम हमें बताने, ठीक है।
तो जंतुओं में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्रों से संबंधित उनके नाम देखते हैं। तो पहले दोस्तों आता है उत्सर्जन तंत्र, तो संबंधित अंग है आपके वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। पाचन तंत्र में मुख, आहार नाल, यकृत, अमाशय। श्वसन तंत्र में नाक आता है, श्वास नली आता है, श्वसनी, नलिया, फेफड़े। परिसंचरण तंत्र है रुधिर, हो गया रुधिर वाहिनी, हृदय। अंतःस्रावी तंत्र में पीयूष ग्रंथि, थायराइड, अधिवृक्क ग्रंथि। फिर तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु, तंत्रिका। पेशी तंत्र में दोस्तों पेशी और ऊतक आता है। जनन तंत्र में वृषण, नर में, अंडाशय, मादा में। कंकाल तंत्र में हड्डियां। अगला प्रश्न रहा कि तंत्रिका तंत्र पर संक्षिप्त लेख लिखना। देखिए तंत्रिका तंत्र शरीर में घटित होने वाली समस्त क्रियाओं के नियमन और नियंत्रण करने में संस्थान को तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसमें मुख्य रूप से तीन भाग होते हैं, मस्तिष्क होता है, रीढ़, ठीक है ना, रीढ़, रज्जु होता है और तंत्रिका है। मस्तिष्क, रीढ़, रज्जु तथा तंत्रिका सभी एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इन कोशिकाओं को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। इनकी लंबाई 1 मीटर तक हो सकती है। ये एक छोर से उद्दीपन को ग्रहण करती है और दूसरे छोर पर संदेशों को भेजती है। देखिए रीढ़, रज्जु व इसके कार्य देखते हैं। मनुष्य का मस्तिष्क आगे चलकर बेलनाकार खोखली रचना में परिवर्तित हो जाता है, इसे रीढ़ रज्जु कहते हैं। यह शरीर के मध्य में रीढ़ की हड्डी के अंदर सुरक्षित रहता है। रीढ़ रज्जु से दोनों ओर अनेक तंत्रिकाएं जुड़े में मतलब निकलती हैं, जो रीढ़ तंत्रिकाएं कहलाती हैं। इन तंत्रिकाओं द्वारा समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण होता है। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली तंत्रिकाएं, मनुष्य के शरीर में 2 प्रकार की तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। पहला देखिए कपाल तंत्रिका, दूसरा रीढ़ तंत्रिकाएं। तो कपाल तंत्रिकाएं क्या होती है, देखिए यह मुख्य रूप से संवेदी तंत्रिका है। ये तंत्रिकाएं ज्ञानेंद्रिय से उद्दीपन को ग्रहण करती हैं और मस्तिष्क तक सूचना देती हैं। दूसरा दोस्तों रीढ़ तंत्रिका में, ये तंत्रिकाएं शरीर की समस्त अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करती हैं और इन तंत्रिकाओं का ज्वाल या जाल मतलब दोस्तों जो होता है आंतरिक अंग तथा त्वचा में फैला रहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है कि उत्सर्जन पर टिप्पणी आपको लिखना है। देखिए शरीर में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप विभिन्न पदार्थों का विघटन होता रहता है, जिसके फलस्वरूप अनेक हानिकारक तथा अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं। इन पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। यह कार्य जिन अंगों द्वारा किया जाता है उन्हें उत्सर्जी अंग कहते हैं। उत्सर्जन अंग के मुख्य अंग गुर्दे, वृक्क, हो गया मूत्रवाहिनियां, हो गया मूत्राशय, मूत्रमार्ग आदि, ठीक है। सांप, छिपकली तथा मेंढक द्वारा जीभ से लेने वाले कार्य। देखिए सांप, छिपकली आदि अपनी जीभ से सूंघने, छूने तथा सुनने का कार्य करते हैं, जबकि मेंढक की जीभ शिकार पकड़ने में सहायक होती है। कार्य के आधार पर पेशियों का वर्गीकरण आपको करना है। तो कार्य का आधार पर देखते हैं आकोचनी या फ्लेक्सर पेशियां। देखिए इन पेशियों व सिकुड़ने से संबंधित अस्थिर अंदर या पीछे की ओर खींचती है, जिससे दोनों अस्थियां समीप आती हैं तथा उनके बीच का कोण कम हो जाता है। दूसरा आपका प्रसारिणी या एक्सटेंसर पेशियां। देखिए इन पेशियों के सिकुड़ने से संबंधित संरचना आगे या बाहर की ओर धकेली जाती है, जिससे दोस्तों अपनी पूर्व स्थिति पर आ जाती है। अपवर्तनी या एब्सट्रैक्ट पेशियां, इन पेशियों के सिकुड़ने से संबंधित अस्थि मध्य रेखा से दूर हो जाती है। फिर चौथा दोस्तों आता है आपके अभिवर्तनी या एडेक्टर पेशियां, इनके सिकुड़ने से संबंधित अस्थि मध्य रेखा की ओर खींची जाती है। पांचवा दोस्तों घूड़ी या रोटेटर पेशियां, देखिए इनके सिकुड़ने पर संबंधित अस्थि अपनी धुरी पर घूमती है। उन्नयनी या लिवेटर पेशियां दोस्तों क्या होता है, यह संबंधित अस्थि या अंग के ऊपर उठाती है। सातवां दोस्तों अवनयनी या डिप्रेसर पेशियां, यह संबंधित अंग को नीचे गिराती है। आठवां आपका कि आतानक या टेंसर पेशियां, इनके सिकुड़ने से संबंधित संरचना में और अधिक तनाव या खिंचाव आ जाता है। नवां दोस्तों उन्तानी या सुपेरनेटर पेशियां, देखिए इनके सिकुड़ने से अगली भुजा घूमती है तथा हथेली ऊपर की ओर घुमाई जा सकती है। दसवां दोस्तों आपका अवतानी या प्रोनेटर पेशियां, ये हथेली को नीचे की ओर घुमाती है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा है कि जीव जंतुओं के आंतरिक अंगों के कार्य बताना है, क्योंकि शरीर के मुख्यतः आंतरिक अंगों के समस्त कार्य हमारे संविधान से संबंधित होते हैं। हमारे संविधान निम्नलिखित है, क्या संविधान लिखा है ये थोड़ा गलत है, इसको समझिएगा आप लोग। श्रवणेन्द्रिया या श्रवणो संतुलन इंद्रिया। तो दूसरा क्या रहा आपका शुष्मेंद्रिया या दोस्तों दर्शनेन्द्रिया। चौथा, तीसरा दोस्तों आपका की घ्राणेन्द्रिया। चौथा आपका स्वादेन्द्रिया। पांचवा आपका त्वक ज्ञानेन्द्रिया। देखिए जैसे श्रवणेन्द्रिया द्वारा हम सुनने का कार्य करते हैं, इस कार्य में बाह्य अंग जैसे कड़ पल्लव व आंतरिक अंग है। कड़ पर्दा, मध्य कड़, आदि कड़ पल्लव ध्वनि तरंगों को सुनता है। वह फिर तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में पहुंचती है और वहां पहचानने के बाद उसका उत्तर मिलता है, अर्थात समझ पाते हैं कि
किसी आवाज है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवों में पाए जाने वाले विभिन्नताओं का हमें वर्णन करना है। देखिए सभी जीव एक समान नहीं होते हैं, इनमें मुख्यतः छह प्रकार की विभिन्नताएं पाई जाती हैं। पहला दोस्तों आपका आकृति में विभिन्नताएं हो सकती है, दूसरा आकार में, तीसरा दोस्तों आदतों में हो सकती है विभिन्नताएं, चौथा रहन सहन में, पांचवा आवास में विभिन्नताएं होती है, और छठा है दोस्तों परिवेश में विभिन्नताएं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टरलाइजेशन विधि से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों में से मतलब कैसे सुरक्षित रखा जा सकता है, संक्षेप में आपको लिखना है। देखिए आपका जो स्टरलाइजेशन एक विधि है जिसके माध्यम से खाद्य पदार्थों को सूक्ष्म जीवों से मुक्त किया जाता है। इससे खाद्य पदार्थ एक निश्चित समय तक खराब नहीं होते हैं। फ्रिज एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा सामान्य ताप से कम ताप पर या 5 डिग्री से 10 डिग्री सेल्सियस उत्पन्न करने पर सूक्ष्म जीवों की उपचाई, ठीक है ना, जो दोस्तों होती है ना उपापचयी क्रियाएं तथा वृद्धि को नियंत्रित किया जाता है। इसलिए दोस्तों फ्रिज का उपयोग फल सब्जियों तथा खाद्य पदार्थों आदि को संरक्षित करने के लिए एवं पेय पदार्थों को ठंडा करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न क्या आ रहा है कि जीवों में अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को आपको समझाना है। तो सबसे पहले अनैच्छिक क्रिया देखते हैं। वे क्रियाएं जो अपने आप ही होती है तथा जिन पर हमारी इच्छा का कोई प्रभाव नहीं होता है, ये क्रियाएं अनैच्छिक क्रिया कहलाती है। जैसे धमाका होने पर चौंक जाना, गर्म वस्तुओं को अचानक छू लेने पर अपना हाथ तुरंत हटा लेना आदि। ऐच्छिक क्रिया दोस्तों क्या होती है, देखिए जिन कार्यों को हम दिमाग से सोच समझकर अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं, ये सभी क्रियाएं ऐच्छिक क्रिया कहलाती हैं। जैसे दोस्तों आपका पढ़ना, खेलना, कूदना। फिर इसके उदाहरण देखते हैं। ऐच्छिक क्रिया के दोस्तों क्या क्या है, पढ़ना और खेलना, समस्या और हल ढूंढना ऐच्छिक क्रिया में आता, टीवी देखना अपने मन से आप टीवी देखते हैं, स्वादिष्ट भोजन सुनकर लार निकालना। अनैच्छिक में दोस्तों क्या होता है कि दिल का धड़कना, ये धड़केगा दोस्तों अपने आप, सांस लेना हो गया, भोजन का पाचन हो गया, मूत्र का निर्माण होना। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है कि सूक्ष्म जीवों की संरचना तथा प्रकार का आपको वर्णन करना है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम सूक्ष्म जीवों की संरचना तथा प्रकार। भोजन का विभिन्न अणु जीवों से घनिष्ठ संबंध है। ये अणु जीव भोजन के पोषक महत्व को बढ़ाने तथा कम करने, साथ में उनको पूर्ण रूप से नष्ट करने व अपना हानिकारक प्रभाव उन पर छोड़ने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भोजन पर अणु जीवों के प्रभाव को जानने के लिए अणु जीवों का पूर्ण अध्ययन करना आवश्यक होगा। वह जीव जो सदा आंखों से दिखाई नहीं देते, उन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग करना पड़ता है। ऐसे जीवों को अणु जीव कहते हैं, ठीक है ना। और आपके अणु जीव मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, शुक्राणु या बैक्टीरिया, फफूंदी हो गया और खमीर हो गया। देखिए ये सभी अणु जीव एक कोशिकीय होते हैं। भोजन व अन्य पदार्थों पर निर्भर रहने तथा उन्हें लाभ पहुंचाने की दृष्टि से अणु जीवों के निम्नलिखित वर्ग हो सकते हैं। पहला दोस्तों हो जाएगा आपका जैसे मृतोपजीवी जीवाणु, परजीवी, सहजीवी जीवाणु और आत्मपोषी जीवाणु। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि खाद्य परिरक्षण किसे कहते हैं। देखिए भोजन एक अनिवार्य आवश्यकता है। मनुष्य को अपने स्वास्थ्य को ठीक बनाए रखने के लिए इस प्रकार का भोजन करना चाहिए जो कि संतुलित होने के साथ साथ पूर्ण रूप से कीटाणु रहित हो। प्रायः अधिक गर्मी के मौसम में भोजन में बैक्टीरिया तथा अन्य छोटे छोटे जीवाणु प्रवेश कर जाते हैं तथा भोजन को विषाक्त बना देते हैं, परंतु भोजन संरक्षण की विधिया का उपयोग करके भोजन को कुछ समय तक संग्रहित किया जा सकता है। इसी प्रकार से भोजन संरक्षण की विधियों के द्वारा अतिरिक्त भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचकर उपयोग में लाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे दोस्तों आप बना के लिख सकते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, पूरा मिलेगा। अब भोजन संरक्षण का महत्व भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे पहले हर मौसम में सभी प्रकार के फल व सब्जियां प्राप्त नहीं की जा सकती, परंतु इनको मतलब भोजन संरक्षण की विभिन्न विधियों का उपयोग करके हर मौसम व ऋतु में प्राप्त किया जा सकता है। अतः भोजन संरक्षण का प्रमुख उद्देश्य, ठीक है, ऋतु के अतिरिक्त भोज्य पदार्थों का सेवन करना है। दूसरा बिंदु, प्रायः देखा जाता है कि जब किसी भोज्य पदार्थ की फसल का समय होता है तब उसका उत्पादन इतनी अधिक मात्रा में हो जाता है कि कभी कभी किसान उसे खेत में ही छोड़ देते हैं जहां पर यह सड़ने और गलते रहते हैं। भोजन संरक्षण की विधियों के द्वारा इन भोज्य पदार्थों को संग्रहित करके भविष्य में उपयोग किया जा सकता है, ठीक है ना। आप ऐसे बना के लिख सकते हैं दोस्तों, पेपर में अच्छे नंबर मिलेंगे आपको। फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा, अनुकूलन किसे कहते हैं। जलीय एवं मरुस्थलीय अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण से आपको समझाना है। तो अनुकूलन देखेंगे, आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों ने ऐसा परिवर्तन जो सजीवों को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। जलीय अनुकूलन क्या होता है, देखिए जलीय जीवधारी जैसे मेंढक हो गया, मछली, जलकुंभी, सिंघाड़ा आदि अपनी रचनात्मक विशेषताओं के कारण जलीय वातावरण में जीवित रहते हैं। जलीय जंतु मछली के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे जल क्लोम या गिल्स होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर
धारारेखी तथा चपटे पंख होते हैं, आंखों पर निपेशक, ठीक है ना, निमेशक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन है। ठीक है, देखिए जंतुओं की तरह ही जलीय पौधों में भी अनुकूलन होता है। इन पौधों का शरीर कोमल तथा कमजोर होता है। इन पादपों के शरीर के सभी भागों में मृदु ऊतक अधिकता में होता है और काष्ठीय ऊतक अत्यंत सूक्ष्म भाग में होता है। पत्तियां पतली, कटी फटी अथवा तैरने की अवस्था में होती है। पत्तियों में प्राय रंध्रों का अभाव होता है। इन पौधों में जड़ तंत्र अल्प विकसित होता है। अब चलिए मरुस्थलीय अनुकूलन को देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, था थोड़ा थोड़ा बना के लिखेंगे तो डेफिनेटली आपको पूरे नंबर दिए जाएंगे। देखिए मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी हो गई, तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना, कांटेदार एवं शुष्क पेड़ पौधों के बीच जीवित रहना आदि। उपयुक्त कठिनाइयों का निराकरण हेतु मरुस्थलीय जंतुओं में जल संचय, खुरदरी त्वचा, अधिक बाल, लंबे पैर तथा गद्देदार तलवे रेगिस्तान में दौड़ने के लिए अनुकूलित होता है, जैसे दोस्तों आपका ऊंट का हो गया। अब बात करेंगे मरुस्थली पादपों में अनुकूलन के लिए निम्न विशेषताएं होती हैं, जैसे पहला हो गया जड़ तंत्र अत्यधिक फैला हुआ और गहराई में जाता है, दूसरा तना मांसल चपटा, हरा एवं स्पंजी होता है जो भोजन बनाने के साथ जल संचित करने का कार्य करता है, जैसे दोस्तों नागफनी, तीसरा पत्तियों में रंध्र गड्ढों में धसे रहते हैं, इससे वाष्पोत्सर्जन कम होता है, जैसे दोस्तों कनेर हो गया, चौथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम करने के लिए पत्तियां मांसल या कीटों या सलकों के रूप में पाई जाती है, जैसे दोस्तों नागफनी हो गया, दिक्वार हो गया, सतावर हो गया तथा बड़ भांडा आदि। अब हम अगला क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, इस समय वायरस को समझाइए। तो वायरस प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्ल के 2 उपकोशिकीय संरचना वाले परजीवी है। ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कारक, ठीक है ना, मतलब आविष्कार के पश्चात ही इनका पता चला है। ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर गुणन कर सकते हैं, जीवित तंत्र के बाहर इन्हें क्रिस्टलीय रूप में संचित किया जा सकता है। इनके अध्ययन के लिए विषाणु विज्ञान की स्थापना की गई। देखिए 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में निम्नलिखित वायरस जनित रोगों का पता लगाया गया। देखिए सबसे पहले आता है ल्यूफलर तथा फ्रास ने जर्मनी के पशुओं में खुरपका या मुख पका रोग का पता लगाया था। दूसरा दोस्तों आता है आपका वाल्टर रीड ने क्यूबा में मनुष्य के पीत ज्वर वायरस की खोज की थी। तीसरा दोस्तों आपका आता है लैंड स्टीनर तथा पोपर ने पोलियो वायरस की खोज की थी। चौथा दोस्तों आता है आपका पेटन राउस ने मुर्गी में कैंसर रोग का पता लगाया था। पांचवा दोस्तों आता है टुआर्ट तथा डी हेरेल ने बैक्टीरिया फेज की खोज की, इन्हें फेज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका जीवाणु के सामान्य लक्षण आपको बताना है, ठीक है, सामान्य लक्षण देखते हैं। जीवाणु सरल एवं एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। जीवाणु जल, थल, वायु आदि सभी स्थानों पर मिलते हैं। अधिकांश जीवाणु क्लोरोफिल न होने के कारण अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, अतः ये मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। तीसरा दोस्तों बिंदु क्या आपका कि इनकी कोशा की रचना सरल होती है, ये अकेले व समूह में मिलते हैं। इनकी कोशा प्रोकैरियोटिक होती है, ठीक है ना, क्या होते हैं दोस्तों, प्रोकैरियोटिक। चौथा दोस्तों आपका आता है कि जीवाणु कोशा में नीले हरे शैवालों की तरह वास्तविक केंद्रक नहीं मिलता, केंद्रक में केंद्रक कला तथा न्यूक्लियोलस का अभाव होता है, परंतु डीएनए तथा आरएनए मिलते हैं। इनके केंद्रक को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड या एनसीपिएंट न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है ना। फिर हमारा आज का अगला प्रश्न देखते हैं हम कि खाद्य पदार्थों का रख रखाव, ठीक है, फ्रीजरवेशन किस प्रकार किया जा सकता है समझाना है। तो इसका दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले हमारी विधि होगी कैनिंग। देखिए डिब्बों में बंद खाद्य पदार्थ आमतौर पर खाने के लिए लंबे अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं। इसको भाप द्वारा 15 पाउंड दाब पर करीब 15 से 20 मिनट तक गर्म किया जाता है। इस क्रिया में तापमान 121 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसमें सभी जीवाणु तथा उसके स्पोर नष्ट हो जाते हैं। दूसरा आता है दोस्तों आपका फाचीकरण, ठीक है ना, इसका प्रयोग लुई फाचर ने किया था। इसमें दूध को लगभग 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म किया जाता है या 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड तक गर्म करते हैं। इसमें दूध को साधारण रूप से मिलने वाले टाइफाइड व क्षय रोग आदि के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं, परंतु इस विधि द्वारा एंडोस्पोर बनाने वाले जीवाणु नष्ट नहीं होते। तीसरा दोस्तों बिंदु का कम ताप पर संचय, दैनिक उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थों को फ्रिज या फ्रीजर में कम ताप पर रखा जाता है, जिससे वे अधिक समय तक खाने के योग्य रह सके। कम ताप पर जीवाणु मरते तो नहीं है, परंतु
उनकी उपापचय क्रियाएं वृद्धि आदि पूर्ण रूप से रुक जाती है। इस विधि से अंडे, मांस, मछली, फल, सब्जियां, फलों का रस आदि फ्रीजर वेषण किया जा सकता है। फल, अंडे, मांस, फलों का रस को लंबे समय तक बहुत कम ताप पर -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस पर शीत संग्रहकार में सुरक्षित रखा जा सकता है। अगला है दोस्तों हमारा निर्जलीकरण करके। देखिए निर्जलीकरण की क्रिया धूप या हवा में सुखाकर या उष्मा देकर की जाती है। खाद्य पदार्थों जैसे मछली, ठीक है, मांस हो गया, फल, सब्जी आदि का पानी निकल जाने पर वे अधिक समय तक सुरक्षित रह सकते हैं तथा जीवाणु उनको सुगमता से दूषित नहीं कर पाते हैं। पांचवा बिंदु फ्रीजर वेटिस का प्रयोग करके। देखिए अचार तथा मुरब्बा में अधिक मात्रा में नमक तथा चीनी डालने से जीवाणु व कवक आदि का जीव द्रव्य संकुचन हो जाता है, जिससे ये पदार्थ अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं। यदि अचार में नमक तथा मुरब्बे में चीनी की मात्रा कम हो तो जीवाणु व कवक बहुत तेजी से के साथ इन पर वृद्धि करते हैं और यह पदार्थ खाने के योग्य नहीं रहते हैं। आजकल कुछ रासायनिक पदार्थ भी प्रिजर्वेटिव्स की बात ही प्रयोग में लाए जाते हैं। उनमें बेंजोइक अम्ल, सोर्बिक अम्ल तथा एसिटिक अम्ल प्रमुख है। नाइट्रेट व नाइट्राइट का प्रयोग मांस के प्रिजर्वेशन में किया जाता है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या था उसको देखते हैं कि प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षण आपको बताने। तो इनके सामान्य लक्षण हैं, देखिए इसकी लगभग 50,000 जातियां जो अलवण जल, स्थल एवं समुद्री जल में वास करती है। इसकी कुछ जातियां परजीवी के रूप में रहती हैं। दूसरा बिंदु, ये सरलतम रचना वाले एक कोशिकीय व सूक्ष्मदर्शी जीव है। ये आद्य तथा जीव द्रव्य श्रेणी के जंतु रहते हैं। तीसरा, अधिकांश एकल तथा कुछ निवा में रहते हैं। निवा के सभी जंतु समान तथा स्वतंत्र होते हैं। चौथा बिंदु, इनका शरीर असममित, द्विपार्श्व सममित, आर्य सममित व गोलाकार सममित होता है। पांचवा बिंदु दोस्तों, शरीर नग्न या इस पर पेलिकल का महीन आवरण होता है। कुछ में शरीर के बाहर बाह्य काल के रूप में कवच या टेस्ट होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी आप बना के ले सकते हैं, ठीक है, देख के। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो हमारा अगला प्रश्न क्या रहा, सूक्ष्म जीव दोस्त या दुश्मन पर संक्षिप्त लेख लिखिए। अभी तक हम लोगों ने सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत वायरस, जीवाणु एवं प्रोटोजोआ, यूग्लिना, पैरामीशियम एवं अमीबा के बारे में जानकारी प्राप्त करी, ठीक है। इनकी जानकारी प्राप्त करने के उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि सूक्ष्म जीव जीव जंतुओं के लिए दोस्त एवं दुश्मन होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जिनसे अन्य बीमारियां होती हैं, देखिए सबसे पहले कारक हो गया होने वाली बीमारियों के नाम, क्या हो गया आपका, वायराइड्स, पोटैटो, स्पिंडल, ट्यूबर और डिजीन। देखिए आलू, तंबाकू, नारियल, कुकुम्बर, साइट्स के पौधे में संक्रमण। दूसरा दोस्तों आ गया आपका प्रियोन्स, स्क्रैपी रोग, कुरु रोग, पागलपन का रोग, भेड़ हो गया, मनुष्य, गाय, मनुष्यों में, ठीक है, डिमेंशिया और पार्किंसन रोग। तीसरा दोस्तों आता है आपका वायरस, में जैसे आपका एचआईवी हो गया, एड्स हो गया, मनुष्यों में। जीवाणु दोस्तों क्या होगा, जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग। अब बात करेंगे आज का अगला प्रश्न, देखते हैं हम लोग कि आपका भोज्य पदार्थ फल आदि का परिरक्षण किस प्रकार करेंगे, वर्णन आपको करना है। तो इसका दोस्तों जो आपका परिरक्षण होता है ये दो प्रकार से होता है, पहला अस्थायी और दूसरा होता है स्थायी परिरक्षण। तो अस्थायी में हम बात करेंगे, इस विधि से फलों तथा सब्जियों को हम थोड़े समय तक ही सुरक्षित रख सकते हैं। तो पहला दोस्तों होता है जीवाणु रहित करना, इसे स्वच्छता का सिद्धांत भी कहते हैं। खाद्य पदार्थों का खराब होना उनमें उपस्थित जीवाणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। फलों सब्जियों को जब गंदी टोकरियों में रखा जाता है या उन्हें तोड़ने समय असावधानी के कारण चोट आ जाती है तो टूट फूट हो जाती है, तो जीवाणुओं को अनुकूल वातावरण मिल जाता है। इसलिए फलों को तोड़ते समय तथा परिवहन में सावधानी बरतनी चाहिए जिससे फलों में चोट ना लगे। तो दोस्तों दूसरा क्या रहा हमारा कि नमी से दूर रखना। नमी में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति तथा वृद्धि तेजी से होती है। यही कारण है कि बरसात में अचार एवं मुरब्बा पर शीघ्र फफूंदी लग जाती है। खाद्य पदार्थों को नमी से दूर रखना ही बचाव का अच्छा उपाय होता है। तीसरा दोस्तों आपका ठंडे स्थान पर रखना। ऐसा देखा जाता है कि खाद्य पदार्थ गर्मी की अपेक्षा ठंडे मौसम में अधिक समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। कारण है कि जीवाणु अधिक तापमान पर अधिक सक्रिय मतलब क्रियाशील होते हैं, इसलिए खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखकर कुछ समय तक सुरक्षित रखा जाता है। रेफ्रिजरेटर का तापमान 4 डिग्री से लेकर दोस्तों आपको 10 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। चौथा आपका वायु से दूर रखना। वायु जीवाणुओं के वृद्धि में सहायक होती है। खाद्य पदार्थों को वायु से दूर रखकर खराब होने से बचाया जा सकता है। इसी सिद्धांत पर डिब्बा या बंदी कैनिंग
में हवा को डिब्बों से निकालकर फलों तथा सब्जियों को सुरक्षित रखा जाता है। अब दोस्तों देखिए, स्थायी परिरक्षण। स्थायी में क्या होता है कि इस विधि से फल तथा सब्जियों एवं इनसे बने खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। इसकी निम्नलिखित विधियां हैं। पहला दोस्तों आपका ऊष्मा द्वारा परिरक्षण। इस विधि में खाद्य पदार्थों में विद्यमान जीवाणुओं को ऊष्मा द्वारा नष्ट कर दिया जाता है। इसके लिए सामान्यतः 65 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा पर खाद्य पदार्थों को गर्म करने के पश्चात रखा जाता है। दूसरा दोस्तों नमक द्वारा परिरक्षण। 10 से 15% नमक का घोल पदार्थों को खराब करने वाले जीवाणुओं के लिए विष का काम करता है, इसलिए अचार को सुरक्षित रखने हेतु नमक का प्रयोग किया जाता है। तीसरा दोस्तों आपका चीनी द्वारा परिरक्षण। खाद्य पदार्थों में 66% से अधिक चीनी की मात्रा रखने से उनका परिरक्षण स्थायी रूप से हो जाता है। चीनी की इस सांद्रता पर जीवाणु तथा एंजाइम निष्क्रिय हो जाते हैं। जैम, जेली, मुरब्बा का परिरक्षण इसी आधार पर किया जाता है। चौथा दोस्तों रसायनों द्वारा परिरक्षण। तरल तथा पेय पदार्थों को परिरक्षित करने में पोटेशियम, मेटाबाइसल्फेट तथा सोडियम बेंजाइट जैसे विभिन्न रसायनों का प्रयोग किया जाता है। ये रसायन एक निर्धारित सीमा तक मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं होते, किंतु जीवाणुओं, ठीक है ना, जितने भी जीवाणुओं के लिए ये विष का काम करते हैं। अगला प्रश्न रहा कि ऐसे किन्हीं चार फलों के नाम लिखिए जिनका परिरक्षण किया जाता है और उनके परिरक्षित खाद्य पदार्थों के आपको नाम भी लिखना है। डीएलएड 2018 में ये प्रश्न आया था। तो परिरक्षण किए जाने वाले चार फलों में दोस्तों आम हो गया, सेब हो गया, अनानास हो गया, आंवला हो गया, चेरी इत्यादि, और इनसे बनने वाले दोस्तों जूस, मुरब्बा, अचार आदि परिरक्षित खाद्य पदार्थ हैं। जैसे आम का जूस हो गया दोस्तों, जैली, अचार, मुरब्बा आदि बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न रहा कि वनस्पतियों में पाए जाने वाले विभिन्न अंग तंत्र एवं उनसे संबंधित अंगों के नाम लिखने हैं, ठीक है ना। पहले दोस्तों हो गया आपका अंग तंत्र में पत्ती हो गया, तो जिसमें दोस्तों संबंधित अंग है पड़ाधार, पड़तंत्र, पड़दल और फलक। जड़ में दोस्तों मूल गोप, वृद्धि क्षेत्र, मूल रोम। तना में दोस्तों पर्व, पर्व संधियां। पुष्प में दोस्तों बाह्यदल, पुंज, पंखुड़ियां, स्त्री केसर। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक संपदा से आपका क्या अभिप्राय है, स्पष्ट करना है। तो प्राकृतिक संपदा देखेंगे। प्राकृतिक मतलब प्रकृति के उपहार जैसे जल, वायु, वृक्ष, पेड़ पौधे, पशु आदि, जिनसे मनुष्य की अनेक आवश्यकताएं पूरी की जा सकती है, इन्हें हम संपदा कहते हैं। जिस प्रकृति संपदा को मनुष्य अपने लिए उपयोगी बना ले उसे संसाधन कहा जाता है। जैसे दोस्तों नदी एक प्राकृतिक जल संसाधन है, मनुष्य उससे सिंचाई, नौका चालन, मछली पकड़ने, पन बिजली बनाने आदि के लिए कार्य करता है, तो नदी को संसाधन कहा जाता है। सामान्य आंखों से दिखाई देने वाले वस्तुएं जैसे खनिज हो गया, जल, वनस्पति, मिट्टी आदि को संसाधन माना जाता है, परंतु अदृश्य तत्व जैसे दोस्तों स्वास्थ्य हो गया, इच्छा शक्ति होगी, तकनीकी ज्ञान, राष्ट्रीय संगठन भी महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। अगला प्रश्न क्या रहा कि धातुओं के संरक्षण हेतु अपनाई जाने वाली विभिन्न विधियों को संक्षेप में आपको बताना है। तो धातु को क्षरण से बचाने के लिए आवश्यक है कि धातु को नमी तथा हवा से बचाया जाए। धातु को क्षरण से बचाने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। पहला दोस्तों का मिश्र धातु बनाकर। किसी एक धातु में दूसरी धातु या अधातु मिलाने पर वह अधिक कठोर, स्थायी तथा संक्षारण से सुरक्षित हो जाती है। स्टेनलेस स्टील, लोहा तथा कार्बन का मिश्र धातु है जिसमें आसानी से जंग नहीं लगती है। दूसरा दोस्तों क्या, ग्रीस या तेल लगाकर। ग्रीस या तेल की परत भी धातु को वायु और नमी से संपर्क समाप्त कर उसके संक्षारण को रोकती है। तीसरा विद्युत लेपन द्वारा या इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कुछ धातुएं जैसे दोस्तों क्रोमियम हो गया, टिन तथा निकिल वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन तथा नमी से प्रभावित नहीं होते हैं। लोहा का क्षरण रोकने के लिए उसके चारों ओर क्रोमियम या टिन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है। एल्यूमिनियम को क्षरण से बचाने के लिए उसके ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का विद्युत लेपन किया जाता है। अगला दोस्तों क्या, पेंट का लेप चढ़ाकर। धातुओं की वस्तुओं की सतह पर पेंट करके उसके क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण स्टील के फर्नीचर, लोहे के पुल या सामानों पर पेंट किया जाता है। धातु चढ़ाना गैल्वनीकरण द्वारा। देखिए, लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे की चादर या अन्य पात्र को पिघलते हुए जस्ते में डुबा देते हैं, जिसके कारण लोहे पर जस्ते की एक पतली परत चढ़ जाती है। इसे दोस्तों गैल्वनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा रहा कि प्राकृतिक संपदाओं का वर्गीकरण हमें करना है। प्रकृति द्वारा उपलब्ध असीमित पदार्थों का भंडारण मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला दोस्तों के पुनः प्राप्त होने वाली संपदा है, दूसरा है कि पुनः प्राप्त न होने वाली संपदा है। तो देखिए, पुनः प्राप्त होने वाली संपदाओं में कौन कौन सा उसको देखते हैं। वे पदार्थ जो मनुष्य अथवा जीवों द्वारा प्रयुक्त तो होते हैं, परंतु किसी न किसी रूप में प्रकृति में पुनः लौट आते हैं। इन्हें पुनः प्राप्त होने वाली संपदाएं अथवा
नवीकरणीय संपदाय कहते हैं, जैसे दोस्तों आपका हवा, पानी, मृदा या मिट्टी, पौधे तथा जंतु। उदाहरण के लिए हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की पुनः पूर्ति प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती रहती है तथा शुद्ध जल का नवीकरण जल चक्र द्वारा पूरा होता है। अब देखिए दोस्तों, पुनः प्राप्त न होने वाली संपदाएं कौन कौन सी है। प्रकृति में कुछ ऐसे भी पदार्थ हैं जो एक बार उपयोग होने के पश्चात समाप्त हो जाते हैं, उन्हें पुनः प्राप्त न होने वाली संपदाएं अथवा अनवीकरण संपदाएं कहते हैं। जैसे दोस्तों आपका कोयला हो गया, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस हो गई, खनिज लवण आदि। अगला प्रश्न रहा कि प्राकृतिक संपदाओं की कमी होने वाले प्रभाव का हमें वर्णन करना है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपकी हो जाएगी बढ़ती जनसंख्या। तो प्राकृतिक संपदाओं जो संपदाओं की कमी से होने वाले प्रभाव का वर्णन में दोस्तों पहले हो गई बढ़ती जनसंख्या। देखिए निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु संपदाओं के उपयोग के लिए अत्यधिक दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जनसंख्या बढ़ने के कारण रहने के लिए स्थान एवं भोजन की कमी हो गई है। भोजन एवं स्थान की खोज में मनुष्य जंगल एवं पहाड़ों की ओर बढ़ रहा है। कृषि योग्य भूमि तथा चारागाह के लिए वह जंगलों का विनाश कर रहा है। भोजन के लिए जंतुओं का शिकार कर उन्हें समाप्त कर रहा है, जिससे यह संपदाएं तो कम होती जा रही है, प्रकृति में संतुलन भी बिगड़ रहा है। प्राकृतिक संपदा के क्षय होने से प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। बाढ़ का आना, सूखा पड़ना, भूकंप आना तथा कुछ प्राणियों का लुप्त होना आदि पर्यावरणीय असंतुलन के ही परिणाम होते हैं। दूसरा आपका अधिक आराम, सुविधाएं तथा उच्च स्तरीय रहन सहन। तो दोस्तों आप इसको बनाकर आप लिख सकते हैं, 2 नंबर का पेपर में क्वेश्चन रहेगा। फिर दोस्तों बात बारी आती है आपकी युद्ध की, तो युद्ध में क्या होता है आप ये बता सकते हैं। फिर दोस्तों संपदाओं का अनुपयुक्त प्रयोग, ठीक है ना, ये सब आप बना के लिखेंगे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अगर लास्ट में लाइन पढ़ देते हैं, मानव जाति के जीवित रहने के लिए प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण आवश्यक है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा संपदाओं की सुरक्षा एवं संरक्षण पर संक्षिप्त आपको लेख लिखना है, ठीक है ना। देखिए संरक्षण का अर्थ होता है कि सुरक्षित बनाए रखना। प्रकृति में मृदा, जल एवं मतलब वन एवं जंगली जंतुओं के बीच पारस्परिक संतुलन होता है, किंतु मानव के हस्तक्षेप एवं क्रियाकलापों से यह संतुलन बिगड़ जाता है। अतः समस्त मानव जाति का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक संपदाओं का संरक्षण करे। संपदाओं का संरक्षण कैसे हो, देखिए कुछ प्राकृतिक संपदाओं के संरक्षण हेतु किए गए प्रयास निम्नलिखित है। सबसे पहले दोस्तों आता है मृदा संरक्षण। मृदा या मिट्टी एक प्राकृतिक संपदा है, फसल तथा अन्य वनस्पतियां मृदा में ही उगती है। पेड़ पौधों को काटने से पूर्व भूमि की मुख्यतः 2 प्रकार की हानि होती है। पहला दोस्तों आपका मृदा अपरदन अथवा मिट्टी का कटाव होता है। दूसरा भूमि की उर्वरा शक्ति का कम हो जाना, ठीक है। फिर दोस्तों बारी आती है जल संरक्षण को, इसको आप बनाकर लिख सकते हैं। वन संरक्षण दोस्तों, वन मतलब पेड़ पौधे, इसको आप लिख सकते हैं। फिर वन्य जीवों का संरक्षण, देखिए वन्य जीवों के शिकार पर रोक लगाने के संबंध में शासन द्वारा कानून बनाए गए, इनका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं बनाकर, बढ़िया। फिर अगला प्रश्न हमारा आता है कि खनिज पदार्थ पर टिप्पणी आपको लिखना है। तो भूमि के भूपटल का निर्माण विभिन्न प्रकार के तत्वों एवं यौगिकों से हुआ है। प्रकृति में यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं उन्हें हम खनिज कहते हैं, जैसे दोस्तों क्वार्ट्ज हो गया, अभ्रक हो गया, माइका हो गया, हेमेटाइट तथा ग्रेनाइट आदि। खनिज पृथ्वी के तल पर, पृथ्वी के गर्भ में तथा समुद्र में पाए जाते हैं। खनिज जैसे चूना पत्थर, लाइम स्टोन का निर्माण जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों के अपघटन के फलस्वरूप होता है। पृथ्वी के अधिक गहराई में उच्च ताप एवं दाब के कारण एक खनिज दूसरे खनिज में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे दोस्तों सैल से स्लेट, चूना पत्थर से संगमरमर या मार्बल, बलुआ पत्थर सैंड स्टोन से दोस्तों क्वार्ट्ज जाइट आदि बन जाता है, ठीक है। देखिए खनिज मुख्यतः दोस्तों आपके 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, खनिज ईंधन और अधात्विक खनिज। अगला क्वेश्चन देखें, मटर कुल के पौधों की जड़ का नामांकित चित्र आपको बनाना है। तो दोस्तों डीएलएड 2017 का क्वेश्चन है ये, तो सिर्फ आपको यहाँ पर चित्र बता के बताना है। देखिए दोस्तों मटर ये हो गया, ठीक है ना, तो आप ऐसे ऐसे चित्र अंदर बना के, तो यहाँ लिख देंगे नाइट्रोजन निकृत जीव, ठीक है ना दोस्तों, ये हो गया। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न कि कार्बनिक रसायन का क्या अभिप्राय है, ठीक है। कार्बनिक यौगिकों में श्रृंखलन की विशेषता को उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। यह हाइड्रोजन हाइड्रोकार्बन यौगिक क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो बात करेंगे कार्बनिक रसायन। देखिए 19वीं शताब्दी के आरंभ में पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर 2 वर्गों में विभाजित किया गया। पहला हो गया दोस्तों आपका कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। जंतुओं और वनस्पतियों जीवधारियों से उपलब्ध पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ तथा खनिज पदार्थों चट्टानों भूगर्भ आदि जैसे निर्जीव स्रोतों से उपलब्ध पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ कहा गया। जैसे दोस्तों चीनी, यूरिया, एल्कोहल, सिरका आदि कार्बनिक यौगिकों के वर्ग में तथा सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड आदि यौगिक अकार्बनिक यौगिक के वर्ग में रखे गए, ठीक है ना। सन 1828 में वेलर ने सर्वप्रथम प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किया। यूरिया प्रयोगशाला में बनने वाला पहला कार्बनिक यौगिक है। यूरिया अमोनियम साइनेट को गर्म करके बनाया गया। तो दोस्तों देखिए अमोनियम साइनेट NH4
CNO को दोस्तों जब गर्म किया गया तो ये बदल के आपका NH2CO NH2 में, तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे यूरिया का, क्योंकि एक बड़ी संख्या यौगिकों की ऐसी है जिनमें उपस्थित तत्वों का एक ही तत्व कार्बन है, उनको कार्बनिक यौगिक कहते हैं, परंतु कुछ कार्बन युक्त यौगिक कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत भी नहीं आते, इसको भी ध्यान रखना है, जैसे CO2, CO कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनेट आदि। ठीक है, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कार्बन युक्त यौगिकों को कार्बन मतलब कार्बनिक यौगिक तथा कार्बन रहित यौगिकों को अकार्बनिक यौगिक नाम देकर वर्गीकरण किया गया। सामान्यतः सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन या उसके व्युत्पन्न होते हैं तथा मीथेन एवं इसके व्युत्पन्नों को छोड़कर लगभग सभी कार्बनिक यौगिक में कार्बन कार्बन का बंध होता है। कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन रसायन शास्त्र की जिस शाखा में किया जाता है वह कार्बनिक रसायन कहलाती है। हाइड्रोकार्बन क्या दोस्तों इसको देखते हैं, कार्बन तथा हाइड्रोजन तत्वों के रासायनिक संयोग से बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे दोस्तों मेथेन, एथेन, एथिलीन, C2H4, एसिटिलीन, C2H2। इसको ये जरा याद रखिएगा कि मेथेन का फार्मूला होता है CH4 होता है, एथेन का होता है C2H6 होता है, एथिलीन का होता है C2H4 होता है, और एसिटिलीन का होता है C2H2। अब बात करेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वह हाइड्रोकार्बन यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध होता है, अर्थात कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंध द्वारा संतृप्त रहती है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे दोस्तों मीथेन हो गया और एथेन हो गया। अगला दोस्तों हमारा है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य कम से कम एक द्विबंध या त्रिबंध उपस्थित हो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, जैसे एथिलीन हो गया C2H4 और एसिटिलीन हो गया C2H2। अगला प्रश्न है कि मीथेन को मार्स गैस क्यों कहा जाता है, देखिए मीथेन प्राकृतिक गैस और तेल कूपों से निकलने वाली गैसों में उपस्थित होती है, दलदली स्थानों में पेड़ पौधे व अन्य कार्बनिक पदार्थों के सड़ने से उत्पन्न गैसों का मुख्य घटक मीथेन गैस होती है, मीथेन को इसलिए मार्स जो मार्स गैस है उसको कहा जाता है, ठीक है ना, मार्स या मार्ग लिखा है। अगला क्वेश्चन है मुक्त रूप में कार्बन की उपस्थिति को समझाइए, अधिकांश सजीव एवं निर्जीव पदार्थों में कार्बन यौगिकों के रूप में प्राप्त होता है, साथ ही कहीं कहीं कार्बन कोयला, कालिक, ग्रेफाइट, हीरा आदि विभिन्न रूपों में मुक्त अवस्था में प्राप्त होता है, ये सभी पदार्थ कार्बन तत्व के विभिन्न रूप हैं जिन्हें हम कार्बन अपर रूप कहते हैं। कार्बन के इन विभिन्न रूपों को सभी रासायनिक गुण तो एक समान ही होते हैं परंतु भौतिक रूप गुण भिन्न भिन्न होते हैं, पदार्थ के गुण को क्या बोलते हैं, अपर रूपता कहते हैं। पहला दोस्तों हीरा कठोर एवं ग्रेफाइट मुलायम क्यों है, जबकि दोनों में ही कार्बन उपस्थित होता है। दूसरा देखिए हीरा चमकदार एवं ग्रेफाइट काले रंग अथवा स्लेटी रंग का क्यों दिखाई देता है, इसको देखेंगे। कार्बन के क्रिस्टलीय अथवा अक्रिस्टलीय रूपों में मुख्य अंतर क्या है, इसको समझते हैं। देखिए कार्बन के विभिन्न अपर रूपों के भौतिक गुणों में भिन्नता दिखाई देती है, हीरा चमकदार व कठोर होता है, जबकि कोयला, ठीक है, काजल, ग्रेफाइट काले रंग के होते हैं। इनके गुणों में भिन्नता कार्बन परमाणु की व्यवस्था में भिन्नता के कारण होता है। कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था के आधार पर कार्बन के विभिन्न अपर रूपों के दो वर्गों में बांटा जाता है, क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय। जो क्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणुओं का निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय रूप में कार्बन परमाणु निश्चित क्रम में व्यवस्थित नहीं रहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ईंधन कितने प्रकार के होते हैं और इनके क्या उपयोग होते हैं, इसको देखते हैं। तो पहला दोस्तों आपको पता होगा घरेलू ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, केरोसिन या मिट्टी का तेल, द्रवित पेट्रोलियम गैस LPG आदि घरों में प्रयुक्त होने वाले अथवा घरेलू ईंधन होते हैं। फिर दोस्तों दूसरा नंबर आता है आपका औद्योगिक ईंधन, इसमें आपका पेट्रोल, डीजल, नेफ्था, कोयला, प्राकृतिक गैस, इसको दोस्तों CNG भी होता है आपका, आदि विभिन्न उद्योगों में प्रयुक्त औद्योगिक ईंधन है। उसके बाद दोस्तों हमारा जो तीसरा नंबर आता है वो आपका आता है इंजन ईंधन। अब ये क्या होता है इसको देखते हैं, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि विभिन्न प्रकार के इंजनों में प्रयुक्त इंजन ईंधन है। चौथा दोस्तों रॉकेट ईंधन क्या होता है, देखिए मिथिल हाइड्राजीन, द्रवित हाइड्रोजन आदि के जेट रॉकेट एवं मिसाइलों में प्रयुक्त रॉकेट ईंधन है, ठीक है। और लकड़ी, कोयला, गोबर के कंडे, कृषि अपशिष्ट एवं पेट्रोलियम उत्पाद आदि ईंधन परंपरागत ईंधन कहलाते हैं। इन सभी ईंधनों में कार्बन या कार्बनिक यौगिक के दहन से ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ईंधन के जैविक स्रोत में जो अब समाप्त हो रहे हैं उनका संरक्षण आवश्यक है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत दोस्तों जैसे आपके सौर ऊर्जा हो गया, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा आदि भी ईंधन के विकल्प के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न रहा हमारा कि कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को समझाना है, तो दोस्तों इसका उत्तर कैसे लिखेंगे, देखिए 19वीं शताब्दी के आरंभ में पदार्थों को उनके प्राकृतिक स्रोतों के आधार पर दो वर्गों में विभाजित किया गया, जंतुओं और वनस्पतियों, ठीक है ना, जीवधारियों से उपलब्ध पदार्थों को कार्बनिक पदार्थ तथा खनिज पदार्थों, चट्टानों, भूगर्भ आदि जैसे निर्जीव स्रोतों से उपलब्ध पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थ कहा गया।
चीनी, यूरिया, एल्कोहल, सिरका आदि कार्बनिक यौगिक के वर्ग में तथा सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड आदि यौगिक अकार्बनिक यौगिक के वर्ग में रखे गए। अगला प्रश्न है कि कार्बनिक यौगिक क्या है। देखिए, कार्बन में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों चतुसंयोजकता और श्रृंखलन से बड़ी संख्या में यौगिक का निर्माण होता है। अनेक यौगिकों के अकार्बनिक परमाणु अथवा परमाणु के समूह विभिन्न कार्बन श्रृंखलाओं से जुड़े होते हैं। मूल रूप से इन यौगिक को प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त किया गया तथा यह समझा गया कि कार्बन यौगिक अथवा कार्बनिक यौगिक केवल सजीवों में ही निर्मित हो सकते हैं। अगला प्रश्न कि ग्रीन हाउस गैसीय पर संक्षिप्त आपको लेख लिखना है, ठीक है ना। देखिए, वायुमंडल में उष्मारोधी गैसों जैसे जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड या मीथेन आदि की मात्रा बढ़ जाने के कारण वायुमंडल के औसत ताप में वृद्धि की ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस वास्तव में कांच या ग्लास के बने छोटे पौधे का घर होता है जिनमें पौधों का विशेष रूप से शीत से बचाने हेतु उगाया जाता है। ग्रीन हाउस सूर्य की ऊष्मा ग्रहण करते हैं। ग्रीन हाउस के ग्लास पैनल्स प्रकाश को अंदर आने देते हैं परंतु ऊष्मा को बाहर निकलने से रोकते हैं। इससे पूरा हाउस गर्म हो जाता है और पौधे शीत में गर्म रहते हैं। यह क्रिया उसी प्रकार है जैसे धूप में खड़ी कार के अंदर गर्मी हो जाती है। देखिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 की अधिकता व कुछ अन्य गैसों के कारण निम्नलिखित प्रक्रिया होती है। तो दोस्तों, पहला कह रहा है कि सूर्य की ऊष्मा के कारण पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है और यह अवशोषित ऊष्मीय ऊर्जा या हीट एनर्जी विकृत हो जाती है, ठीक है ना। फिर दोस्तों देखिए, दूसरा, अधिकांश ऊष्मा अंतरिक्ष में वापस विकृत हो जाती है परंतु इसका कुछ भाग वायुमंडल द्वारा रोक लिया जाता है और पुनः पृथ्वी सतह पर वापस हो जाती है। देखिए, इस प्रकार सरल शब्दों में पृथ्वी की सतह से विकसित हो रही गर्मी का रुकना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। अगला क्वेश्चन हमारा रहा कि ग्रीन हाउस गैसीय प्रभाव का धरती के बढ़ते तापमान में क्या संबंध है, स्पष्ट करिए। देखिए, यदि तपती हुई धूप में खड़ी कार की सभी खिड़कियां बंद कर दे तो कार के अंदर असहनीय गर्मी हो जाती है क्योंकि प्रकाश खिड़कियों के शीशे से गुजर कर अंदर पहुंचता है। प्रकाशीय ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होकर वहां रह जाती है और कार को गर्म कर देती है। ग्रीन हाउस या पादप वृक्ष मतलब ग्रह पौधे उगाने के लिए बनाए जाते हैं और इसी सिद्धांत पर कार्य करते हैं। क्योंकि वे शीशों के बनाए जाते हैं अतः प्रकाश अंदर पहुंच जाता है किंतु उसमें बाहर नहीं निकल पाती। कार्बन डाइऑक्साइड का गुण भी ऐसा ही है। सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजर जाने देती है किंतु उष्मा को वायुमंडल से निकलने नहीं देती। इस प्रकार सामान्य मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल के तापमान को बनाए रखती है परंतु यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि होती है तो वायुमंडल में अधिक उष्मा रोक ली जाएगी तो इसका मतलब होगा कि उसका तापमान बढ़ा देगी। उष्मा का इस प्रकार वायुमंडल में रोक लिया जाना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। देखिए, ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने में प्रमुख योगदान करने वाली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC6, ठीक ना, CFC6, मेथेन CH4 तथा ओजोन O3 प्रमुख है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि मधुमेह, जी हाँ दोस्तों, काफी फेमस डायबिटीज का वर्णन आपको करना है कि मधुमेह क्या है। देखिए देखिए, शरीर में इंसुलिन की कमी होने पर यकृत कोशिकाओं में ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने एवं संग्रह करने की क्षमता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप रुधिर में ग्लूकोज की सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक है ना, हाइपर ग्लिसीमिया इसे कहते हैं। एवं जब मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा 300 से लेकर 500 mg प्रति 100 ml हो जाती है तो इस बीमारी को मधुमेह कहते हैं। आज विश्व में यदि सर्वे किया जाए तो प्रत्येक तीसरा व्यक्ति मधुमेह से ग्रसित है क्योंकि मधुमेह होने का कारण होता है अनियमित जीवन शैली। मधुमेह रोग सामान्यतः बहुत से लोगों में पाया जाता है। भारत में यह बहुत अधिक मिलता है। मधुमेह दो प्रकार का होता है, पहला तो देखिए डायबिटीज मेलिटस और दूसरा दोस्तों डायबिटीज इंसिपिडस। अगला प्रश्न है कि मधुमेह के रोगियों को अपनी जीवन शैली में क्या बदलाव करना चाहिए। क्वेश्चन पेपर में आ चुका, देखिए डीएलएड 2018। हर रोगी की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है तथा उसे इस प्रकार की योजनाबद्ध करना चाहिए कि वह उसके अनुकूल हो। ऐसे व्यक्ति जिसका वजन सामान्य है अर्थात जो अधिक मोटे ना हो ना दुबले हो, उनके मूत्र में कीटोन उपस्थित नहीं होता, उन्हें केवल व्यायाम तथा व्यवस्थित आहार से लाभ होता है, इनको इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती है। मोटे लोगों को आहार को विशेष रूप से संयमित करने की आवश्यकता पड़ती है और साथ साथ उन्हें शारीरिक परिश्रम करने की भी आवश्यकता होती है। ऐसे लोगों के आहार में उन्हीं भोज्य पदार्थों का समावेश होना चाहिए जो मोटापा कम करें। दुबल व्यक्तियों को केवल आहार नियंत्रण से लाभ ना हो तो अतः उन्हें इंसुलिन या अन्य संबंधित औषधियां देनी ही होंगी। बच्चों में मधुमेह की अवस्था उत्पन्न होना चिंता का विषय है। इनके भोजन पर नियंत्रण रखना कठिन होता है। बच्चे अपनी रुचि के भोजन तथा मिठाइयों के लिए परेशान करेंगे अतः उनकी
अवस्था का पूर्ण ज्ञान ना करना और भोजन एवं दिनचर्या के प्रति शिक्षित करना आवश्यक है। वैसे तो मधुमेह का उपचार मुख्यतः भोजन को व्यवस्थित करने से ही हो जाता है, परंतु यदि भोजन व्यवस्थित करने के पश्चात भी रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक रहे और मूत्र में निरंतर ग्लूकोज निष्कासित होता रहे तो इंसुलिन या अन्य औषधियों का प्रयोग करना होता है। आहार व्यवस्था करते समय निम्नलिखित बातें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। पहला दोस्तों, कि आहार में उन्हीं भोज्य पदार्थों का समावेश हो जो मोटापा कम करे, ठीक है ना, वजन तथा लंबाई के अनुसार सामान्य हो। दूसरा, अधिक श्वेत सार मतलब युक्त भोज्य पदार्थ ना दे ताकि रक्त में ग्लूकोज की मात्रा अधिक ना होने पाए। तीसरा, भोजन की मात्रा उतनी ही हो जिससे निर्धारित कैलोरीज ही प्राप्त हो सके, अधिक नहीं। चौथा, भोजन मरीज के लिए रुचिकर हो तथा आकर्षक ढंग से परोसा जाए। अगला क्वेश्चन क्या रहा, उक्त रक्तचाप बीमारी क्या है, इसके क्या क्या कारण होते हैं। देखिए, ऐसी परिस्थिति जिनमें रक्त के द्वारा धमनियों पर लगाया जाने वाला बल सामान्य से अधिक होता है उसे उक्त रक्तचाप कहते हैं। रक्तचाप बीमारी के कारण देखिए, व्यस्त जीवन शैली का होना, आहार का खराब होना, तनाव का होना। अगला क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप के लक्षण बताइए, इसके लक्षण को देखते हैं। देखिए, उक्त रक्तचाप की प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति किसी प्रकार की परेशानी का अनुभव नहीं करता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है व्यक्ति के सिर में सिर दर्द शुरू हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं तथा दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दूसरा, उच्च रक्तचाप की दूसरी अवस्था में जबकि रोगी प्रारंभिक अवस्था में कोई उपचार नहीं लेता है तब उल्टी होना, जी घबराना, अत्यधिक बेचैनी, पाचन संबंधी विकारों का हो जाना शुरू हो जाता है, आंखों में धुंधलापन छाने लगता है तथा रोगी को नींद नहीं आती है। उक्त रक्तचाप की तीसरी अवस्था दोस्तों क्या होती है, भयानक अवस्था में हृदय की गति अवरुद्ध होने लगती है, नाक से खून आना तथा दिमाग की नली फटने से मरीज बेहोश भी हो सकता है, गुर्दे खराब होने लगते हैं तथा हृदय की गति रुकने से रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। अब हमारा अगला प्रश्न क्या आ रहा है कि संक्रामक रोग किसे कहते हैं। देखिए, ऐसे रोग जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संक्रमित हो जाते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहा जाता है। सूक्ष्म जीव से होने वाला रोग संक्रामक होता है। सूक्ष्म जीव रोगी के शरीर में वृद्धि करते हैं, संख्या में बढ़ते और शरीर के रोग का आश्रय क्षेत्र बना देते हैं। रोगी से अन्य स्वस्थ बीमारी मतलब स्वस्थ व्यक्ति को रोग आसानी से संक्रमित हो सकता है, जैसे कि क्षय रोग, हैजा और इन्फ्लुएंजा में होता है। कुछ रोग वाहक के द्वारा भी फैल सकता है, जैसे दोस्तों मलेरिया, फाइलेरिया एवं काला ज्वर इत्यादि। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रहा है इंसुलिन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। शरीर में कार्बोहाइड्रेट में के उपचार मतलब उपापचय में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहला दोस्तों देखते हैं, यह कार्बोहाइड्रेट के पाचन से बने ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदल देती है और यकृत एवं पेशियों में संग्रहित करती है। दूसरा, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा विमुक्त करती है। तीसरा दोस्तों, रुधिर में ग्लूकोज की निश्चित मात्रा बनाए रखती है। चौथा दोस्तों हमारा जो इसका बिंदु होगा कि कोशिकाओं की आधारी उपापचय दर, ठीक है ना, को प्रभावित करती है। पांचवा दोस्तों देखिए, वसा ऊतकों में वसा संश्लेषण अर्थात लाइपोजेनिसिस को प्रभावित करती है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि सामान्य स्वस्थ मनुष्य में रक्त शर्करा की मात्रा भोजन से पहले और भोजन के पश्चात कितनी होनी चाहिए। देखिए, सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में खाने से पहले रक्त में शर्करा या ग्लूकोज का स्तर 70 से लेकर 110 मिलीग्राम प्रति 100 मिलीलीटर रक्त रहता है। खाने के बाद यह दोस्त स्तर 110 से आपका 140 मिली प्रति ग्राम, ठीक है, इतना रहता है और फिर धीरे धीरे कम होता चला जाता है और मधुमेह हो जाने पर यह स्तर सामान्य नहीं हो पाता। अगला प्रश्न क्या रहा, हृदयाघात पर संक्षिप्त लेख लिखिए। देखिए, हृदय में रक्त की आपूर्ति में कमी आने पर हृदयाघात या हार्ट अटैक होता है। जी हाँ दोस्तों, काफी फेमस बीमारी। यह धमनियों के संकरेपन के कारण हो सकता है या फिर धमनी में कहीं रक्त का थक्का बन जाने के कारण रुकावट पैदा हो जाने की वजह से होता है। हृदयाघात के मामले में दिनों दिन बढ़ते जा रहे, मतलब इसका दोस्तों जो मामला है बढ़ता ही जा रहा है, और जिसका प्रमुख कारण है बढ़ता हुआ तनाव, भागदौड़ वाली जिंदगी और आधुनिक जीवन शैली। हृदय रोग में हार्ट अटैक या हृदयाघात मृत्यु का प्रमुख कारण होता है। यदि हृदयाघात के लक्षण के विषय में पूरी जानकारी हो और मरीज तुरंत चिकित्सक से संपर्क करे एवं उसका प्राथमिक उपचार तत्काल किया जा सके तो बहुत से मरीजों को मृत्यु से बचाया भी जा सकता है। हृदयाघात होने पर मरीज शॉक में चला जाता है, छाती में तेज और दबाव वाला दर्द होता है। यह दर्द नीचे बाई भुजा और ऊपर वाली मतलब तरफ गर्दन तक फैलता है। मरीज को सांस पूरी तरह लेने में परेशानी होती है। नाड़ी धीरे धीरे अनियमित गति से चलती है। मरीज कभी कभी गिर पड़ता है और अर्धचेतन या बेहोश हो जाता है। देखिए, आपका हृदय रोग का निदान होते ही चिकित्सक से सलाह लेनी चाहिए और तत्काल इलाज शुरू कर देना चाहिए। इससे हृदयाघात
में प्राय बचाव हो जाता है। हृदयाघात के लक्षण दिखते ही तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए ताकि कोई दुष्परिणाम सामने ना आए। हृदयाघात के उपचार में देरी नहीं की जानी चाहिए, जितनी देर की मतलब दोस्तों जितनी देर की जाएगी उतना ही उपचार सफल होने की संभावना भी कम होती जाती है। तो दोस्तों अब चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या रहा कि सामान्य हृदय रोगों का हमें वर्णन करना है। ठीक है, पहला दोस्तों आपका हृदय रोग हो गया एंजाइना, दूसरा हो गया आपका कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, तीसरा दोस्तों हो जाएगा आपका मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। ठीक है, फिर चौथा दोस्तों हो जाएगा आपका रीमेटिक हृदय रोग। तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहले एंजाइना, इस रोग का कारण यह है कि हृदय की भित्ति को भली प्रकार रुधिर का प्राप्त ना होना या थक्का, ठीक है दोस्तों, बनाने मतलब बनने या कोरोनरी धमनी के संकुचन से होता है। ऐसी अवस्था में हृदय पेशियों को ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती, इससे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस हो जाता है और सीने तथा कंधे में तेज दर्द होता है। तो दोस्तों दूसरा रोग है हमारा कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, मतलब इस अवस्था में कोरोनरी धमनी में थक्का बनने जाने से हृदय पेशियों से पर्याप्त रुधिर प्राप्त नहीं हो पाता, इस कारण एंजाइना रोग हो जाता है। फिर तीसरा दोस्तों आपका आता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। देखिए कोरोनरी धमनी में अवरोध होने से हृदय की पेशियों को जब पर्याप्त रुधिर प्राप्त नहीं होता तब हृदय पेशियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, अतः ये पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पाती। इस दशा को मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हृदय आघात कहते हैं। चौथा दोस्तों आता है आपका रीह्यूमेटिक हृदय रोग। देखिए ये क्या है, आपका बैक्टीरियल संक्रमण के कारण हृदय के कपाट या वाल्व ठीक से कार्य नहीं कर पाते और इस प्रकार हृदय पेशियां कमजोर हो जाती हैं और हृदय ठीक से कार्य नहीं कर पाता। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या है कि जापानी मस्तिष्क ज्वर क्या है, इसका संक्रमण किससे होता है। डीएलएड 2017 में क्वेश्चन भी आ चुका है। देखिए जापानी इंसेफेलाइटिस एक प्रकार की दिमागी बुखार है जो वायरस संक्रमण की वजह से होता है। यह एक खास किस्म के वायरस के द्वारा होता है जो मच्छर जापानी इंसेफेलाइटिस वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, उसके काटने से यह रोग होता है। हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि वन संरक्षण एवं वन जीव संरक्षण के दो दो उपाय आपको लिखने हैं। तो पहला वन संरक्षण, देखिए जनन द्रव्य का संग्रह एवं संरक्षण करना चाहिए, जीन बैंकों की स्थापना करनी पड़ेगी। तो वन्य जीव संरक्षण में आता है प्राकृतिक आवास प्रबंधन, उद्यानों, संरक्षित क्षेत्रों एवं जंतु विहारों की स्थापना। अगला प्रश्न क्या रहा, पर्यावरण और प्रदूषण पर संक्षिप्त लेख लिखिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप बनाकर लिख सकते हैं, दो नंबर आपको डेफिनेटली मिलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या है कि हम समाचार पत्रों में पढ़ते एवं सुनते हैं कि हमारा पर्यावरण दिन प्रतिदिन प्रदूषित होता जा रहा है, इस प्रदूषण के कारण क्या है। देखिए फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं वाहन से मतलब वाहन के चलने तथा ईंधन के जलने से निकलने वाले धुएं के कारण वायु प्रदूषित होती जा रही है। वायु प्रदूषण का लगभग 10% से 15% भाग का मुख्य कारण धुआं ही होता है। तो आप दोस्तों ऐसे बनाकर बढ़िया से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आसान सा क्वेश्चन होता है, दो नंबर आपको फ्री के देके जाएगा ऐसा क्वेश्चन आएगा। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण संरक्षण से आप क्या समझते हैं, अपने स्तर से आप पर्यावरण को कैसे संरक्षित करेंगे। दो बार पेपर में आ चुका है और बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। तो पर्यावरण संरक्षण से अभिप्राय देखते हैं। देखिए पहले पर्यावरण संरक्षण से हमारा अभिप्राय पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले कारकों यथा वायु, जल, मृदा, ध्वनि, रेडियो धर्मी प्रदूषण, समुद्री प्रदूषण तथा तापीय प्रदूषण से पर्यावरण की सुरक्षा करने से है। तो चलिए दोस्तों इसके उठाए कौन कौन से हम कदम उठा सकते हैं उसको देखते हैं। संसाधनों का उपयोग इस प्रकार हो कि सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित रहे। दूसरा दोस्तों बिंदु देखते हैं कि विकासशील देशों की परिस्थितियों एवं विशेष प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उनके अनुरोध पर आर्थिक तथा तकनीकी ज्ञान उपलब्ध कराना, जिससे पर्यावरण संरक्षण का ज्ञान उपलब्ध कराना, जिससे पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। तो दोस्तों आप ऐसे पर्यावरण के टिप्पणी आराम से कर सकते हैं और दो नंबर क्वेश्चन मतलब आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना। ये आप बना के लिखिएगा, डेफिनेटली आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। आप देखते हैं आज का अगला प्रश्न। किसी प्रारूपिक पुष्प का चित्र बनाकर उसे लेबल कीजिए। देखिए दोस्तों पुष्प वास्तव में पत्तियों का ही रूपांतरण होता है, यह अपने डंठल के पुष्पासन पर लगा रहता है, इसे पुष्प वृंत कहते हैं। पुष्प का जन्म कली से होता है जो कि हरी पत्तियां निपत्रों से ढकी रहती है। इन पत्तियों को बाह्यपुट चक्र कहते हैं। प्रारूपिक पुष्प के चार प्रकार के अंग होते हैं जो पुष्पासन पर लगे रहते हैं। यह चार अंग चक्रों में लगे रहते हैं। इन अंगों के प्रत्येक भाग को पुष्प कहते हैं। चारों चक्रों में से नीचे दो चक्र सहायक तथा ऊपर के दो चक्र बाह्यपट मतलब पुट कहलाते हैं। तो दोस्तों आपको देखिए कुछ ऐसा पुष्प होता है, देखिए क्या क्या होता है इसके अंदर। पुंकेसर होता है, जायंग होता है, पुतंतु होता है दोस्तों आपका, पुष्पवृंत होता है, पुष्पाक्ष होता है, बाह्य दल हो गया ये दोस्तों, भुजा, नखा, दलपुंज हो गया। देखिए दोस्तों बीजांड में क्या है, देखिए अंडाशय की अनुप्रस्थ काट, देखिए आप बीजांड, ठीक है ना, बीजांडसन हो गया, विषम हो गया, आभासी पट हो गया, बीजांड हो गया,
और दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्तिकाग्र, वर्तिका, पुष्पासन, अंडाशय, पुष्पव्रत और जायांग, पुमंग, ठीक है ना। आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं इसको। अब देखिए पुष्प के भाग निम्नलिखित है। देखिए पहला दोस्तों हो गया आपका बाह्य दल पुंज हो गया, ठीक है। बाह्य दल पुंज पुष्प के खिलने से पूर्व आंतरिक अंगों की रक्षा करते हैं। पुष्प खिलने के उपरांत यह भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। रंगहीन बाह्य दल पुंज का भी कार्य करते हैं, ठीक। इतना काफी है दोस्तों लिखना। फिर उसके बाद बारी आती है आपकी दल पुंज की। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे ही आप उत्तर करेंगे। यह परागण के कीटों मतलब के लिए कीटों को आकर्षित करते हैं। हरा दल पुंज भोजन निर्माण का कार्य भी करता है। यह पुंकेसर तथा अंडक की रक्षा करते हैं। तीसरा आपका पुमंग, इसका कार्य परागण, ठीक है ना, परागण उत्पन्न करना है। चौथा दोस्तों जायांग, स्त्रीलिंग चक्र में वर्तिकाग्र का कार्य परागकणों को ग्रहण करना है। वर्तिका का कार्य पराग नली को अंडाशय तक पहुंचाना है। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि प्रतिध्वनि किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। तो किसी तल से परिवर्तित ध्वनि को ही प्रतिध्वनि कहते हैं, ठीक है ना। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत और परावर्ती तल के बीच की दूरी कम से कम 16.6 मीटर की होनी चाहिए। प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है, जबकि गूंज, ठीक है दोस्तों, में ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। फिर अगला प्रश्न है कि उष्मा से आप क्या समझते हैं, उष्मा का मात्रक बताइए। देखिए उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके द्वारा किसी वस्तु में होने मतलब में होने से वह प्रतीत होती है तथा निकल जाने पर वह वस्तु ठंडी होती है, ठीक है दोस्तों। जब यह होती है तो उसमें वस्तु क्या होता है, गर्म होता है। जब वो निकल जाती है तो वस्तु आपकी ठंडी प्रतीत होती है। उष्मा का मात्रक MKS पद्धति में जूल होता है तथा व्यवहारिक मात्रक कैलोरी तथा किलो कैलोरी होती है। तो 1 कैलोरी बराबर 4.18 जूल। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या रहा कि 1 कैलोरी से आप क्या समझते हैं। तो 1 कैलोरी उष्मा की वह मात्रा है जो 1 ग्राम जल व ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा देते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 किलो कैलोरी मतलब इसमें डिफाइन करते हैं। पहले 1 किलोग्राम शुद्ध पानी का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 15.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को 1 किलो कैलोरी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट उष्मा से आप क्या समझते हैं, किसे कहते हैं। विशिष्ट उष्मा या स्पेसिफिक हीट किसी पदार्थ की विशिष्ट उष्मा उष्मा की वह मात्रा है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। इसका SI मात्रक जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस है। जल की विशिष्ट उष्मा कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस या 4.12×10³ जूल प्रति किलोग्राम डिग्री सेल्सियस होती है। जिन पदार्थों की विशिष्ट उष्मा अधिक होती है वे देर में गर्म होते हैं तथा देर में ठंडे होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फ्यूज से आपका क्या अभिप्राय है। साधारण बल्ब एवं हीटर फ्रिज में कितने प्रकार मतलब कितने एम्पियर का फ्यूज लगाते हैं। देखिए सबसे पहले फ्यूज, फ्यूज परिपथ सर्किट का एक संरक्षात्मक या दोस्तों प्रोटेक्टिव अवयव है जो एक निश्चित मात्रा में अधिक धारा बहने पर परिपथ में विद्युत का प्रवाह रोक देता है। साधारण हीटर फ्रिज में 5 से लेकर 10 एम्पियर का फ्यूज हम लगाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि परम आर्द्रता का आशय स्पष्ट आपको करना है, ठीक है। इसको दोस्तों अंग्रेजी में बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। किसी ताप पर वायुमंडल के 1 घन मीटर आयतन में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को परम आर्द्रता कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या ओशांक का तात्पर्य स्पष्ट करिए। ओशांक साधारणता किसी ताप पर वायुमंडल में उपस्थित जल वाष्प वायु को संतृप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होती है। अब यदि वायु का ताप धीरे धीरे कम किया जाए तो एक ऐसा ताप आ जाता है जब वायु में उपस्थित जल वाष्प उसे संतृप्त कर देती है। इस ताप को हम क्या बोलते हैं, ओशांक कहते हैं। ओशांक से कम ताप पर वायु में उपस्थित जल वाष्प जल की बूंदे के रूप में दोस्तों क्या होती है, संघनित होने लगती है। अतः वह ताप जिस पर वायु के किसी आयतन में उपस्थित जल वाष्प वायु के उस आयतन को संतृप्त कर सके उसे हम क्या बोलते हैं, ओशांक। फिर हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि प्रकाश का अर्थ तथा प्रकाश के स्रोत को समझाइए। पहले प्रकाश या लाइट अंग्रेजी में, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायक है। अब प्रकाश के स्रोत देखते हैं। सोर्स ऑफ लाइट जो वस्तुएं प्रकाश उत्पन्न करती है प्रकाश स्रोत कहलाती है। प्रकृति में प्रकाश का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्रोत क्या आपका सूर्य है, सबको पता है। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। देखें प्रकाश स्रोत के प्राकृतिक स्रोत में आता है सूर्य, चंद्रमा, तारे, जुगनू तथा कुछ समुद्री मछलियां आदि प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत हैं। कृत्रिम प्रकाश स्रोत में ऐसे प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। जैसे दोस्तों जलती हुई मोमबत्ती, मिट्टी के तेल का लैंप हो गया, दीपक हो गया, टार्च और लालटेन, विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, सीएफएल, पेट्रोमैक्स आदि, या LED भी दोस्तों आजकल आप देख रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन तथा परावर्तन के आपको नियम बताने हैं। तो प्रकाश का परावर्तन हम देखते हैं, किसी चमकदार सतह पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें को मतलब किरणों को सतह पर
सतह द्वारा पुनः उसी माध्यम में वापस भेजने की क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन के नियम देखते हैं। पहला दोस्तों, आपाती किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्ती किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, परावर्तन के प्रकार बताइए। प्रकाश के परावर्तन के नियम को चित्र द्वारा समझाना। डीएलएड 2018 में क्वेश्चन भी आया। परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन दोस्तों आप ऐसा कुछ देख रहे हैं, ऐसे आ रहा ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। देखिए, चिकनी सतह पर होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। यह परावर्तन किसी एक दिशा में होता है, जैसे समतल दर्पण पर परावर्तन। फिर दोस्तों बारी आती है अनियमित परावर्तन। खुदरी सतह से होने वाले परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। यह सभी दिशाओं में अनियमित रूप से हो सकता है, जैसे लकड़ी की तख्ती से परावर्तन। तो दोस्तों लकड़ी में गिर रहा है इधर उधर, इधर उधर, जहां भी जा रहा है, ठीक है। फिर अगला प्रश्न क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का वर्णन आपको करना है, तो इसको देखते हैं चले। तो पहला दोस्तों, इसके दो नियम होते हैं। पहला, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। ये अपवर्तन की बात हो रही, इससे पहले भी हमने परावर्तन देखा था। फिर दूसरा दोस्तों, जो इसका बिंदु की आपतन कोण की ज्या, ठीक है ना, साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। तो अपवर्तनांक म्यू बराबर होता साइन आई बटे साइन आर। या दोस्तों माध्यम का अपवर्तनांक म्यू एम बराबर होता निर्वात में प्रकाश की चाल बटे में होता आपका माध्यम में प्रकाश की चाल। हमारा अगला प्रश्न क्या रहा कि ध्वनि से आपका क्या अभिप्राय समझाना है। देखिए, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कान के पर्दे में कंपन उत्पन्न करके मस्तिष्क में पहुंचती है। इस प्रकार हम ध्वनि को महसूस करते हैं। अतः ध्वनि एक प्रकार की संवेदना है। किसी वस्तु में कंपन के कारण ध्वनि उत्पन्न होती है। अगला प्रश्न है कि आवर्तकाल से आप क्या समझते हैं। देखिए, आवर्तकाल या पीरियोडिक टाइम यह निश्चित समयांतर जिसमें आवर्त गति करने वाली वस्तु उसी बिंदु पर उसी दिशा में जाने वाली स्थिति में पुनः आ जाती है, आवर्तकाल कहलाता है। इसे अक्षर टी से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक सेकंड होता है। दूसरे शब्दों में कंपन करने वाली वस्तु द्वारा एक कंपन पूरा करने में लिया गया समय उसके कंपन का आवर्तकाल कहलाता है। अगला प्रश्न हमारा कि तरंग दैर्ध्य क्या है। तरंग दैर्ध्य या इसको वेवलेंथ बोलते हैं, तरंग गति में समान कला में दोलन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। इसे लैम्डा से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक मीटर होता है, ठीक है ना। तरंग वेग, आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य में संबंध। तो दोस्तों v बराबर होता है n लैम्डा या v बराबर होता है लैम्डा बाय t। अगला प्रश्न हमारा, तरंग के प्रकार आपको बताने हैं। यह क्वेश्चन दोस्तों यांत्रिक तरंगों का आवृत्ति के अनुसार वर्गीकरण करने को आ सकता है। तो यांत्रिक तरंगे देखते हैं, वे तरंगे जिनके संचरण के लिए भौतिक माध्यम अति आवश्यक होता है यांत्रिक तरंगे अथवा प्रत्यास्थ तरंगे कहलाते हैं। अथवा वे तरंगे जो किसी ठोस, द्रव अथवा गैस पदार्थ के कणों के दोलनों द्वारा उत्पन्न होती है तथा आगे बढ़ती है यांत्रिक तरंगे अथवा प्रत्यास्थ तरंगे कहलाती है। जैसे वायु में ध्वनि की तरंगे, जल में गिरे पत्थर के कारण उत्पन्न तरंगे, रस्सी में दोलनों के द्वारा उत्पन्न तरंगे आदि, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के आधार पर यांत्रिक तरंगे आपकी दो प्रकार की होती है। पहला दोस्तों आपका आता है अनुप्रस्थ, दूसरा होता है आपका अनुदैर्ध्य तरंगे, ठीक है ना। एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो पहले बात करेंगे अनुप्रस्थ तरंगे में। जब किसी तरंग में माध्यम के कारण तरंग के चलने की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो उत्पन्न तरंग अनुप्रस्थ तरंग कहलाती है। यह तरंगे, ठीक दोस्तों, श्रृंग तथा गर्द के मिलने से बनती है। जी हाँ दोस्तों, ये श्रृंग लिखा आपका। जब तालाब के जल में पत्थर फेंकते हैं तो अनुप्रस्थ तरंगे उत्पन्न होती हैं। तालाब में पत्थर फेंकने से उत्पन्न अनुप्रस्थ तरंगे के उठे हुए भाग को श्रृंग, क्रीष्ट तथा दबे हुए भाग को क्या बोलते हैं, गर्द कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है, जब किसी तरंग में माध्यम के कारण तरंग के चलने की दिशा में ही कंपन करते हैं तो उत्पन्न तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। यह तरंगे संपीड़न एवं विरलनों के मिलने से बनती है। जब स्वरित्र को कंपनित, ठीक, क्या करते हैं, कंपित कराते हैं और स्वरित्र की भुजाएं बाहर की ओर जाती हैं तो संपीड़न तथा जब भुजाएं अंदर की ओर जाती हैं तो विरलन उत्पन्न होता है। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न क्या हमारा कि ध्वनि की चाल पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखना है। ध्वनि किसी भी माध्यम, ठोस, द्रव और गैस में संचरित हो सकती है। ध्वनि संचरण निर्वात में संभव नहीं है। एक सेकंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी को हम ध्वनि की चाल कहते हैं। ध्वनि की चाल बराबर दोस्तों होता है दूरी बटे समय, ठीक है ना। या दोस्तों दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणे समय। 0 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है।
ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक और गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। जिन ग्रहों पर वायुमंडल नहीं है वहां ध्वनि की चाल क्या होगी? शून्य होगी। अगला प्रश्न देखेंगे कि ध्वनि तरंगों का परावर्तन से आप क्या समझते हैं। इनका परावर्तन देखते हैं कि ध्वनि तरंगों के किसी तल से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आने को ध्वनि तरंगों का परावर्तन कहते हैं। जिससे प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है, ध्वनि का परावर्तन प्रकाश के परावर्तन की तरह होता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रतिध्वनि का अर्थ स्पष्ट करना है आपको। तो प्रतिध्वनि क्या होता है? यह इको बोलते हैं। पहाड़ों, गहरे कुओं तथा बड़ी इमारतों में ध्वनि उत्पन्न करने पर ध्वनि तरंगों पहाड़ों की सतह या गहरे कुओं के पानी के तल और बड़ी इमारतों की छत से टकराकर परावर्तित होती है। जो ध्वनि मूल ध्वनि थोड़ी देर बाद सुनाई पड़ती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई, ठीक है ना, पढ़ने के लिए मूल ध्वनि और मूल ध्वनि को परावर्तित होकर वापस लौटने से कम 1/10 सेकंड का समयांतर होना आवश्यक है। इससे कम समयांतर होने पर दो ध्वनियां अलग अलग सुनाई नहीं देती। प्रतिध्वनि सुनाई, ठीक है, देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? लेंस क्या है? लेंस कितने प्रकार के होते हैं? यह अभिसारी तथा अपसारी लेंस में क्या अंतर होता है? सचित्र संक्षेप में आपको समझाना है, मतलब आपको फिगर बनाना पड़ेगा। पहले बात करेंगे लेंस। लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का ऐसा टुकड़ा होता है जिसके दोनों पृष्ठ, ठीक है, अथवा एक पृष्ठ वक्र तथा दूसरा क्या होना चाहिए? समतल होना चाहिए। सामान्यतः लेंस आपके दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देखिए, जिस लेंस के मध्य का भाग मोटा ऊपर का उठा हुआ होता है तथा किनारे का भाग पतला होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस बोलते हैं। जिस लेंस के मध्य का भाग पतला होता है तथा किनारों पर मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल अथवा अवतल, लेंस के दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं, ठीक है ना, बस ये बात आपको याद रखें। तो दोस्तों आपके सामने कुछ ऐसा फिगर दिख रहा है, एक उत्तल लेंस का है और दोस्तों ये आप देख रहे हैं दूसरा अवतल लेंस का फिगर, ठीक है ना। तो देखिए उत्तल लेंस में क्या है कि उत्तल लेंस उस पर आपतित समांतर, ठीक है ना, जो समानांतर प्रकाश की किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, इसलिए इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अवतल लेंस, यह लेंस उस पर आपतित समांतर किरणों को चित्र के अनुसार मुख्य अक्ष से दूर फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। देखिए दोस्तों ये क्या होता है, जैसे कोई किरण सीधे सीधे ऐसे जा रही है, ठीक है, इसको दोस्तों क्या कर देता है, इधर इसकी दिशा डायरेक्शन बदल देता है। और उत्तल लेंस में दोस्तों कहीं पर भी सब जा रहे हैं तो उसको क्या करता है, एक तरफ वो बीच में केंद्रित करता है, ठीक है ना, बस ये आपको ध्यान में रखना है। अब कुछ बात कर लेते हैं लेंस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। सी तथा सी टू लेंस के दोनों पृष्ठों का वक्रता केंद्र है, ठीक है ना, अब दोस्तों ये देख रहे होंगे कुछ। और उसके बाद क्या है, लेंस का प्रत्येक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्याएं कहलाती हैं, ठीक है, तो इसका मुख्य अक्ष देख सकते हैं। इसकी परिभाषा दोस्तों देखते हैं कि वक्रता केंद्र C1 C2 से गुजरने वाली रेखा एक्स वाई लेंस का मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है ना, आपको एक्स और वाई ये मुख्य अक्ष आपके यहाँ पर है। उसके बाद प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, देखिए मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणों में विचलन नहीं होता लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। चित्र में बिंदु O लेंस का प्रकाशिक केंद्र है, ठीक है ना। तो बस ये सब हो गया, अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न कि गोलीय दर्पण के 5 उपयोग आपको लिखना है। गोलीय दर्पण के उपयोग, पहला दोस्तों देखिए, कार, बस तथा ट्रक के चालक के पास बाहर दाई ओर एक उत्तल दर्पण लगा होता है। इसकी सहायता से चालक अपने पीछे से आने वाले वाहनों को देखकर सतर्क हो जाता है, ठीक है। दूसरा, सड़क पर प्रकाश की किरणों को अधिक से अधिक क्षेत्र में फैलाने हेतु लैंपों को परावर्तक अवतल आकार के बनाए जाते हैं। तीसरा बिंदु, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। मोटर वाहनों की बत्तियों में टार्च, ठीक है ना, टार्च के बल्ब के पास तथा परावर्तक दूरदर्शी में अवतल परावर्तक का प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ऐसे आप बनाकर लिख सकते हैं। दाढ़ी बनाने में स्पष्ट तथा बड़ा प्रतिबिंब दिखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि दृष्टि दोष क्या है। देखिए, जब मानव नेत्र के सामने दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु साफ साफ दिखाई नहीं देती है तो इसे दृष्टि दोष कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, देखिए आप ध्यान रखिएगा, 25 सेंटीमीटर देख लीजिएगा कि आपके आंखें सही है कि नहीं, आप खुद अपनी आंखों को टेस्ट कर सकते हैं। तो दृष्टि दोष में दोस्तों पहला आता है आपका निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में देखिए, कुछ व्यक्तियों के नेत्र में, मतलब नेत्र लेंस बहुत अधिक वक्र हो जाने के कारण लेंस की फोकस दूरी कम हो जाती है। ऐसी दशा में दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उससे पहले ही बन जाता है, जिससे दूर स्थित वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। इस प्रकार के दृष्टि दोष को निकट दृष्टि दोष हम कहते हैं। तो दोस्तों ये आपकी दूरस्थ वस्तु है तो आप इसका अवतल लेंस से यूज करके सही कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती निवारण, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में उचित फोकस दूरी का अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। यह लेंस प्रकाश किरणों को अपसारी करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर हो जाता है।
ठीक है ना। यहाँ पर दोस्तों देख रहे होंगे आप, कोई दूरस्थ वस्तु थी या पहले ऐसे रेटिना से पहले आपका प्रतिबिंब बनता था, फिर दोस्तों जब आपने अवतल लेंस को लगा लिया तो ये दूर दूर करके आपका रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। अब दोस्तों दूसरा आता है आपका दूरदृष्टि दोष। अब ये क्या है, देखिए कुछ व्यक्तियों के नेत्र की वक्रता कम हो जाने के कारण फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिससे नेत्र के निकट स्थित वस्तुओं के प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बनता है, जिससे निकट रखी वस्तु दिखाई नहीं देती है। इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम क्या बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। तो यहाँ पर दोस्त हम क्या करेंगे, देखिए निवारण इसका देखते हैं। दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी का उत्तल लेंस चश्मे में लगाते हैं, या लेंस प्रकाश किरणों को अभिसारित करके प्रतिबिंब को रेटिना पर बनाता है, जिससे निकट दृष्टि मतलब निकट के दोस्तों जो वस्तुएं होती है वो साफ दिखाई देने लगती है। देखिए जो दोस्तों पहले ये रेटिना के पीछे बनता था, उसके बाद दोस्तों जैसे आपने उत्तल लेंस लगाया तो ये आपका प्रतिबिंब रेटिना पर बनने लगा। अगला प्रश्न क्या आपका, हाइपर मेटोपिया को स्पष्ट करना है। देखिए हाइपर मेटोपिया क्या होता है, मैं व्यक्ति दूर की चीजों को आसानी से देख सकता है परंतु उसे पास की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती है या देखने में परेशानी होती है। हाइपर मेटोपिया में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना से दूर जाकर बनता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी खाली बड़े कमरे में आवाज करने पर उसकी गूंज क्यों सुनाई देती है, इसको देखते हैं। देखिए ध्वनि परावर्तन के कारण गूंज सुनाई देती है, याद रखना ध्वनि परावर्तन के कारण इसकी गूंज सुनाई पड़ती है। प्रतिध्वनि में ध्वनि का परावर्तन केवल एक बार होता है, जबकि गूंज में ध्वनि का परावर्तन बार बार होता है। ध्वनि संचरण के लिए तीन सिद्धांत आपको लिखना है। तो देखिए ध्वनि संचरण का संचरण, देखिए ध्वनि का संचरण निर्वात में नहीं होता है। फिलहाल ध्वनि ठोस द्रव तथा गैस तीनों माध्यम से होकर गति करती है, अर्थात ध्वनि संचरण के लिए माध्यम आवश्यक होता है। तो वायु में ध्वनि का संचरण, जब कोई वस्तु वायु में कंपन करती है तो सबसे पहले वह अपने निकट के वायु के कणों में कंपन उत्पन्न करती है, ये कण आगे कणों को भी कंपित कर देते हैं। इस प्रकार आपके कान के समीप के कण भी कंपन करने लगते हैं और आप ध्वनि सुनते हैं। दूसरा दोस्तों जो पॉइंट है, ध्वनि में द्रव में ध्वनि का संचरण, इसे हम निम्न प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। देखिए सर्वप्रथम दो पत्थर के टुकड़े लीजिए, अब दोनों हाथ में लेकर इनकी आपस में टक्कर करें, ध्वनि सुनाई पड़ती है। अब एक बाल्टी में पानी लें, ठीक है ना, और पत्थर के टुकड़ों को बाल्टी के पानी में ले जाकर इनमें टक्कर करें तो ध्वनि सुनाई पड़ती है, हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है। इस पे स्पष्ट होता है कि ध्वनि का संचरण द्रव पानी में भी होता है। तीसरा दोस्तों क्या, ध्वनि मतलब ठोस में ध्वनि का संचरण, इसे हम निम्न प्रयोग द्वारा समझ सकते हैं। सर्वप्रथम टीन के दो डिब्बे लेना चाहिए आपको, प्रत्येक डिब्बे में लगभग 15 से 20 मीटर लंबा धागा डालें, धागे के प्रत्येक सिरे पर पिन लगा दीजिए आप लोग, ठीक है। चौथा, साथी के साथ ऐसे दोनों डिब्बों को एक दूसरे से इतनी दूरी पर ले जाएं कि धागा खींचा तना रहे, आप साथी से बातचीत करें, ध्वनि सुनाई पड़ देती है। इसी प्रकार मेज के एक किनारे पर ठोकने से दूसरे किनारे पर आवाज सुनाई देती है, इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि ध्वनि का संचरण ठोस में भी होता है। सिद्धांत दोस्तों देखते हैं, ध्वनि संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि किसी भी ठोस मतलब माध्यम, ठोस द्रव और गैस में संचरित हो सकती है। स्रोत से ध्वनि का संचरण सभी दिशाओं में होता है, ठीक है दोस्तों। तो विज्ञान की दोस्तों जो हमारी वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है। तो अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो सीरीज के पार्ट वन और पार्ट टू ना देखी हो, जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपने पार्ट वन जिसमें दोस्तों हमने बहुविकल्पी क्वेश्चन को डिस्कस किया, पार्ट टू जिसमें हमने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को डिस्कस किया है, उसको ना देखा हो तो जरूर देखिएगा। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्ट।